नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम सचिन गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेके आया हूँ आपके लिए लाइव प्रोसेस पे, ठीक है। एक धमाकेदार लेक्चर लेके आया हूँ, एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, नीट UG के स्टूडेंट हैं, SSC UPSC जिसके भी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये लेक्चर सभी के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहने वाला, ठीक है। ये लेक्चर विशेष प्रकार से फोकस में रख के जो मैं बना रहा हूँ वह है कॉम्पिटिशन, ठीक है। बाकी 10th 11th और जो एग्ज़ाम है ना उनके लिए भी बहुत काम में आने वाला, ठीक है। बहुत धमाकेदार लेक्चर रहेगा ये, बहुत ही मज़ा आने वाला हमें स्ट्रक्चर में, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। फुल ऑफ नॉलेज होगा, ठीक है। फुल ऑफ नॉलेज लेक्चर होगा, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लाइव प्रोसेस की पहली वीडियो देखिए, ठीक है। तभी जाके आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है। मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ वह आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता अच्छी तरीके से बेसिक बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो बेसिक रिपीट होगा, अगर आपको बेसिक अगर आपको आता है तब तो आगे देखना, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप जाइए सबसे पहले बेसिक देखिए चैप्टर का क्या है, ठीक है। फिर आप इस चैप्टर को आके देखिएगा, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। देखो मैं बहुत बार कहता हूं कि क्या है कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक आती हैं, ठीक है, SSC के लिए आती हैं, रेलवे के लिए आती हैं, CDS के लिए आती हैं, ठीक है, उनमें क्या है ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग चैप्टर है, डाइजेशन सिस्टम एक अलग चैप्टर है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग चैप्टर है, ठीक है, और उनमें जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं जैसे आपका रिप्रोडक्शन है वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया मैं सबका सब इस चैप्टर के अंडर में ही कवर करूँगा, ठीक है। आपकी जितनी लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है, आई विल कवर ऑल अंडर दिस लाइफ प्रोसेस, ठीक है। मैं इसके ही अंडर में आपको कवर करके दूंगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरा आप पूरा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है ना बस वो देख लीजिए, ठीक है, उसी में आपका पूरा लाइफ प्रोसेस जो है ना वो हो जाएगा कवर, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आगे आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे रहने वाला है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मेरे इस जीमेल पे जा सकते हैं जिसमें आप अपनी समस्याओं का हल आसानी से मुझसे पा सकते हैं, ठीक है। ये है sachingupta95368, ठीक है, @gmail.com। यहाँ पे बीच में स्पेस है लेकिन जब भी आप मेरे को कोई मैसेज करेंगे इस जीमेल पे तो आप स्पेस नहीं, ठीक है, कंटिन्यू वे में लिखेंगे, ये स्पेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से जीमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी हिंदी इंग्लिश में नोट चाहिए हो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, जो कि है मेरा सवरिया क्लासेस, ठीक है। क्या है टेलीग्राम चैनल, सवरिया क्लासेस। आप मेरे को कोई मैसेज करना चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम अकाउंट है दोस्तों sachingupta9536, ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ इस लेक्चर। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बता दिया आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी क्या है बॉडी है दोस्तों, ठीक है, इस बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, ठीक है। जैसे आपसे बात की जाए ऑक्सीजन की नीड होती है, फूड की नीड होती है, ठीक है, और बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स की नीड होती है और बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, जो हमारी बॉडी है इसे कुछ चीज़ों की नीड होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, ठीक है, आपका एंजाइम्स हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ों को बॉडी के लिए नीड है ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी को कैसे मिलेंगी, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे रुक के जरा ये सोचो, ऑक्सीजन की नीड है ये कैसे फुलफिल होगी, अब ऑक्सीजन की किस तरीके से नीड है बॉडी की, ये मैं आपको रेस्पिरेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। फूड की कैसे नीड है लाइफ प्रोसेस के पहले लेक्चर में बताया था मैंने, ठीक है। फिर एंजाइम की कैसे नीड है, हार्मोन की कैसे नीड है, सब बता चुका हूँ पीछे, ठीक है। तो एक बार अगर नहीं देखा हो वीडियो को तो पीछे देख लो। तो हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की नीड है, फूड की नीड है, एंजाइम की नीड है, हार्मोन की नीड है, ठीक है। अब किसके लिए नीड है, तो अपनी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए और ग्रोथ को कराने के लिए, ठीक है, इन दो चीज़ों के लिए, इन चार चीज़ों की नीड है, ठीक है।
अब है क्या, ये जो नीड है ना, ये किसके द्वारा पूरी की जाएगी? तो आती है बात कि ये सर नीड फूड के द्वारा पूरी की जाएगी, नीड ऑक्सीजन के द्वारा पूरी की जाएगी, और जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए उससे पूरी की जाएगी। अगर फिश के केस में गिल से पूरी की जाएगी, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके केस में जो ये होगी ना, वह उनकी बॉडी में छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके द्वारा पूरी की जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, बात आई ई की एंजाइम्स की, तो हमारी बॉडी में ना एंजाइम सेक्रेट करती है हमारी बॉडी, ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी, हार्मोन्स भी इसी तरीके से हमारी बॉडी के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट से मिलेगी, लेकिन ये संपर्क में आएगी सबसे पहले नोज के, ठीक है, लेकिन ये नोज से पूरी बॉडी के अंदर कैसे फैलेगी, समझ रहे मेरी बात? नोज के संपर्क में आएगी ऑक्सीजन, लेकिन ये पूरी बॉडी के अंदर कैसे फैलेगी? फूड सबसे पहले संपर्क में आएगा माउथ के, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर कैसे फैलेगा? क्योंकि यार सेल तो पूरी बॉडी के अंदर है ना, और एक एक सेल के लिए फूड की नीड है, एक एक सेल के लिए ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि नोज के लिए ऑक्सीजन दे दें बाकी पूरी बॉडी का काम चल जाए, पूरी बॉडी का तो काम नहीं चलना, क्योंकि बॉडी के अंदर लाखों सेल है। ठीक है, और लाखों सेल के लिए चाहिए कि एक एक सेल के पास हर एक चीज़ जाए, एक एक सेल के पास आपका ऑक्सीजन जाए, एक एक सेल के पास आपकी न्यूट्रॉन जाए, एक एक सेल के पास आपका फूड जाए, एक एक सेल के पास ऑक्सीजन जाए। इसी तरीके से एंजाइम, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स और जो हार्मोन्स होते हैं, ये जिस साइट पे जिसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये अपनी एक्शन नहीं करते हैं, एक्शन के दूसरे पॉइंट पे जाके करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे एक्शन नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बिलाई कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये एक्शन कहाँ करता है, आपका स्टमक में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एंजाइम और जो हार्मोन्स है ना, ये आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी दूसरी साइड पे, यूज किए जाते हैं किसी दूसरी साइड पे, प्रोड्यूस करे जाए किसी दूसरी जगह पे और यूज किए जाते हैं किसी दूसरी जगह पे। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पूरी बॉडी के अंदर कैसे पहुँचाई जाएँ? आपकी जो ऑक्सीजन है ना, वह तो सिर्फ आपके एनवायरमेंट के थ्रू आपको मिल जाएगी, एनवायरमेंट के थ्रू आपको मिल सकती है, नोज के थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप पूरी बॉडी के अंदर से कैसे पहुंचाओगे? ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो काम करता है इन चीजों को पूरी पूरी बॉडी में पहुंचाने का। ठीक है, वह सिस्टम ऑक्सीजन के लिए पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, वह सिस्टम फूड जो है ना, जो माउथ के अंदर है, उसे पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाएगा, एंजाइम को साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाएगा, हार्मोन्स को साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाएगा। ठीक है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हार्मोन, ऐसे सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, ऑक्सीजन, फूड, एंजाइम, हार्मोन। ठीक है, इनको इनके प्लेस तक, ठीक है, पहुंचाने के लिए जो सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि बस जैसे आपका ऑक्सीजन का इनटेक करना है तो हमारे लिए ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर चली जाए। ठीक है, फूड है, फूड माउथ में आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि फूड माउथ से, माउथ में आने के बाद पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करे, पूरी बॉडी के अंदर फैले। ठीक है, तो ऐसा होने के लिए माउथ जो है, फूड जो है माउथ से पूरी बॉडी के अंदर फैले। ठीक है, ऐसा होने के लिए जरूरी होता है हमारे पास एक तंत्र का होना। ठीक है, एक सिस्टम का होना, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें बॉडी से अंदर प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में और बाहर निकालनी होती हैं। जैसे आपसे बात कर लीजिए CO2 की, आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया CO2 कहाँ, जब हम लोग फूड बनाते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं। ठीक है, अब CO2 जब बेस्ट मटीरियल, CO2 का बॉडी के अंदर तो कोई काम है ही नहीं, तो सिंपल सी बात ऐसे बाहर ही निकालना होगा। ठीक है, तो आपका CO2 हो गया, बहुत सारे आपका मेटाबॉलिक बेस्ट होते हैं, जैसे आपके बात कर लीजिए आपसे CO2 की, CO2 मैंने चलो लिख ही दिया, आपसे बात हो जाए हमारी NH3 की, आपसे बात हो जाए यूरिया की। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ऐसे बेस्टेस होते हैं जो मेटाबॉलिक बेस्ट बोले जाते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी मेटाबॉलिक बेस्ट होते हैं, इन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना है ना, क्योंकि इनका बॉडी के अंदर तो कोई काम है नहीं, समझ रहे हो? तो बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि इतना आप याद रख लिए, दिमाग में सिंपल कर लीजिए, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, एंजाइम। ठीक है, इनको जो सिस्टम बॉडी के अंदर लाता है, ठीक है, CO2, NH3 एंड यूरिया, इनको जो सिस्टम बॉडी से बाहर निकालता है उसी सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, CO2, NH3 एंड यूरिया, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये बेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इन्हें जो सिस्टम बाहर निकालता है हमारी बॉडी से, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालता है, और O2,
फिर फूड, फिर हार्मोन, फिर एंजाइम, ठीक है। इनको जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराता है, ठीक है, जो सिस्टम इनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराता है उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर ही समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको यही दिखा देता हूँ स्लाइडों के ऊपर, ठीक है। अब देखो स्लाइडों में क्या लिखा है, स्लाइडों में है। अच्छा एक बात और आपको याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये हो गया, लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करी जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह ये सिस्टम आपका जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्म मटीरियल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ज़रूरत होती है कि जो भी मटीरियल है वह उनकी पूरी बॉडी के अंदर जा पाए, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, अब देखो जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हाइड्रा की बात कर ली जाए आपसे, ठीक है, अमीबा की बात कर ली जाए, तो ये जो मटेरियल होता है जो बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, ये पहुंचाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। क्या होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो आपका मटेरियल पहुंचाया जाता है, वह पहुंचाया जाता है आपका बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है आपका, देखो अब मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, आप ऐसी मान लो ये एक अमीबा मान लो आप, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी बॉडी में बहुत सारे रंध्र होंगे, बहुत सारे यहाँ क्या होंगे आपके पोर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं रंध्र होते हैं इनकी बॉडी पे, ठीक है। तो क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, तो ये जो जितने पोर्स होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू आपका जो फूड होता है, ठीक है, आपकी जो एयर होती है, ठीक है, आपका जो O2 होता है, ठीक है, और जो आपका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, NH3 हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये आपका बाहर निकलता है, ठीक है, यूरिया, CO2, ठीक है, NH3, ये आपका इनके रंध्र से बाहर निकलता है, ठीक है। और जो चीज़ें एंटर करानी होती हैं, जैसे जो चीज़ें हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करानी होती है, ठीक है, वह भी इनकी बॉडी के रंध्र से ही पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होती है, ठीक है। जैसे फूड है, आप फूड को हमें बॉडी के एक पार्ट तक पहुंचाना है, ठीक है, तो उनके रंध्र से फूड एंटर करता है, ठीक है, और डायरेक्टली इनकी बॉडी के अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो चलो इतना आपको समझ में आया होगा, मैं आगे चलता हूँ। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में यह काम जो ट्रांसपोर्टिंग वाला काम है ये किया जाता है जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। ये स्पेशल तरीके के टिश्यू होते हैं जिन्हें हम लोग कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं। इनका काम होता है वाटर के लिए एक जगह से, जैसे हमने वाटर तो जड़ में दिया, रूट में दिया, लेकिन जो वाटर है ना उसकी नीड तो पूरे प्लांट के लिए है। हमने क्या किया, वाटर को सिर्फ रूट में दिया, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में दिया नहीं। लेकिन क्या आप सोचो, क्या वाटर की जो नीड है वो क्या सिर्फ रूट के लिए ही है, ऊपर वाले पार्ट को नहीं है? तो मेरे भाई ऊपर वाले पार्ट के लिए वो नीड है, ठीक है। अब पानी नीचे से ऊपर लेके जाएगा कौन, ठीक है, तो ये काम किया जाता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट के पास, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कोई प्लांट है, हमें उसे ग्रो कराना है, ठीक है। अब ग्रो कराना है तो हम ये देखते हैं मेरी सॉइल प्रोफाइल क्या है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल यानी सॉइल कैसी है वहाँ की, ठीक है, वहाँ पे N का क्या लेवल है, P का क्या लेवल है, K का क्या लेवल है, वहाँ नाइट्रोजन कैसी है, वहाँ फॉस्फोरस का क्या लेवल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखें, पोटासियम का क्या क्या लेवल है वहाँ पर, ठीक है। तो NPK नाइट्रोजन पोटेशियम नाइट्रोजन, ठीक है, तो NPK आपका, ये आपका हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है। तो आपकी तीनों चीज़ें देखी जाती हैं कि वहाँ कैसी हैं, ठीक है। अब जो तीनों मिनरल होंगे, ये जो तीनों मिनरल हैं ये तो पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन पूरे प्लांट के लिए मिनरल चाहिए ये, तो अब ये पूरे प्लांट के पास कैसे जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ के लिए जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है, यानी कि फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम किया जाता है, यह किया जाता है आपके स्पेशल टिश्यू के द्वारा, जिनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। सो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों होते हैं कंडक्टिव टिश्यू, जो प्लांट में जो भी चीजें ट्रांसपोर्टेबल होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। तो चलो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, द सिस्टम विच इज प्राइमरली मीट द
This is primarily meant for circulation of nutritive product, disposal and excretion of waste material in the body is known as circulatory system. मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि एक ऐसा सिस्टम ठीक है जो क्या करे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट जो है आपका उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराए ठीक है, क्योंकि यार न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट ऐसा थोड़ा ना है कि किसी एक बॉडी के किसी एक पार्ट को जरूरत है, बॉडी के एक एक ईच एंड एवरी पार्ट को जरूरत है ठीक है, एक एक सेल को जरूरत है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेल होती है ठीक है। अब एक एक सेल को नीड होती है हमारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट की ठीक है, तो उस न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट को किस तरीके से पहुंचाना है ठीक है, पूरा जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है ठीक है, उसको सर से लेके पैर तक पहुंचाने का जो पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, फिर उसका डिस्पोजल का ठीक है, उसे निकालना कैसे ठीक है, फिर एक्सक्रिएशन उसको बाहर निकालने का एक्सक्रिएट करने का ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। तो ये स्लाइड आई होप आपको समझ में आई होगी, बाकी अगर कुछ एक चीज़ एक दो चीज़ें नहीं भी समझ में आई तो दोस्तों सिंपल है, मेरे जीमेल पर जाके जो कि है सचिन गुप्ता 95368 उस पर पूछ लीजिएगा ठीक है। तो अब हम मुड़ता हूँ, अब मैं मुड़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है दोस्तों, इसी को कंटिन्यू करा गया है हिंदी में ठीक है। अब देखो हिंदी में क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय, देखो हम लोग कौन है, बहुकोशिकीय ठीक है, हमारे अंदर एक दो कोशिका नहीं बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जीव को पूरे शरीर में एक तंत्र परिवहन सामग्री की आवश्यकता होती है ठीक है, तो किसकी होती है, एक तंत्र होता है परिवहन तंत्र ठीक है। ये परिवहन तंत्र क्या करता है, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ठीक है, या जो हमारी बॉडी के द्वारा जो वेस्ट क्रिएट किया जाता है ठीक है, जो बेकार की चीज़ें जो प्रोड्यूस की जाती हैं, वह एक से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब आपका जो वेस्ट है, मान लो आपका CO2 प्रोड्यूस किया गया, तो CO2 तो आपको बॉडी का हर सेल प्रोड्यूस करेगी ठीक है, बॉडी की हर सेल CO2 प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसे लंग्स तक लाना ठीक है, लंग्स से बाहर निकालना ठीक है, लंग्स तक लाना, लंग्स से बाहर निकालना, इसी सिस्टम को हम कहते हैं दोस्तों परिवहन तंत्र ठीक है। क्या बोलते हैं हमसे, परिवहन तंत्र ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसे, परिवहन तंत्र ठीक है, एक मिनट, इसे दोस्तों बोलते हैं परिसंचरण तंत्र ठीक है, जिस कॉल्ड परिसंचरण तंत्र, यहाँ परिवहन तंत्र काट दीजिएगा, परिसंचरण तंत्र कर लीजिएगा ठीक है। तो चलो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, तो चलो मैं आगे चलता हूँ। देखो यहाँ दिया गया है जो बहुकोशिकीय, जो साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं ठीक है, जैसे हाइड्रा हो गया, जैसे अमीबा हो गया ठीक है, इन लोगों का जो फूड इनकी बॉडी में एंटर करता है वह डिफ्यूजन यानी संलयन की सहायता से एंटर करता है। डिफ्यूजन क्या होता है, बॉडी बहुत सारे होल्स होते हैं जिनके द्वारा जो फूड होता है वह एंटर कर जाता है ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, शरीर के भीतर उच्चतर प्लांट परिवहन में चालक तक जाए जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। अब देखो जो प्लांट होते हैं ठीक है, जो पेड़ होते हैं ठीक है, उनके अंदर ये जो पूरा जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का जो परिवहन किया जाता है, यह प्लांट के पास कुछ उत्तक होते हैं, पेड़ों के पास कुछ उत्तक होते हैं जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं ठीक है, उनके माध्यम से किया जाता है। अगला हमारे पास क्या है, वह प्रणाली जो मुख्य रूप से पोषक उत्पादन निपटान शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के संचालन के लिए जिम्मेदार है, को हम लोग प्रणालीगत प्रणाली के नाम से जाना जाता है ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया, अब देखो क्या है संचार प्रणाली के प्रकार, अब देखो संचार प्रणाली कितने तरीके की होती हैं, तो संचार प्रणाली होती है दो प्रकार की, बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र ठीक है। तो जो परिसंचरण तंत्र होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है यह दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरे को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि क्लोज में और ओपन में क्या फर्क होता है ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्लोज की बात कर लेते हैं, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड आपका फ्लो होता है वह ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, जैसे कि आपका एक मकान है ठीक है। अब आपके मकान का जो टैंक है ना, वह आपने किसी एक पॉइंट पर रखवा दिया, आपने अपनी छत के ऊपर रखवा दिया ठीक है, आपने कहीं पर भी रखवा दिया सो ऑन ठीक है, कहीं भी रखवा दो आप। अब आपको उस टैंक से पूरे घर के अंदर पानी लेना है ठीक है, ये आपका मेन टैंक हो गया। अब आपको इस मेन टैंक से अपने कमरे में भी पानी चाहिए, वॉशरूम में भी पानी चाहिए, बाथरूम में भी पानी चाहिए ठीक है, और जो कमरे हैं आपके उनमें और भी कमरे उनमें भी पानी चाहिए। तो होगा क्या कि आप इस जो टैंक है ना, इस टैंक से आप क्या करते हो, बहुत सारे ट्यूब डाल देते हो ठीक है, इन्हीं ट्यूब से ये पानी जो होता है वह बहता रहता है ठीक है। ये ट्यूब जो होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं इस पाइप से, ये जो आपका टैंक है इससे ठीक है, और इन्हीं ट्यूबों के माध्यम से पानी जो होता है पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हमारी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप यहाँ टैंक को मान लो हार्ट ठीक है, और जो ये
ट्यूब आप देख रहे हो, इन्हें आप मान लो बॉडी की वेसल्स, ठीक है। ये टैंक होते हैं हार्ट, और जो ट्यूब होते हैं इन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इन्हें यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है यह आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होते हैं, नैरो ट्यूब होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो व्हाट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ब्लड वेसल्स आर द नैरो ट्यूब इन विच ब्लड फ्लोस, ठीक है, जिनमें ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वालों की बात करें, अच्छा पहले हम लोग पूरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है, ब्लड वेसल आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ब्लड आपका फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही होंगे, एब्सेंट होना होंगे। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऐसा पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में और एनिलिड में, ठीक है, वर्टिब्रेट और एनिलिड में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड होता है भाई आपका डायरेक्ट टिश्यू के कॉन्टैक्ट में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो आपका फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर। तो सीधी सी बात है, ब्लड जो है वह किसी भी तरीके से टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि यार टिश्यू क्या है, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारी जब सेल मिलती हैं तो आपको टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो टिश्यू फॉर्म होते हैं। लेकिन ब्लड तो आपके ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है ना, तो ब्लड को हम कैसे कह सकते हैं कि टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये लिखा हुआ है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बेयर इन द हीमोग्लोबिन बाथन द ऑर्गन सेल टिश्यू डायरेक्टली, ये बाथन होगा, बैटन नहीं होगा, ठीक है, बाथन नहीं, नहलाना। आप देखो जिन बॉडियों में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिन बॉडियों में, उनमें क्या होता है, जो हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, वह उनकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है और टिश्यू के संपर्क में रहता है सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सीधे संपर्क में नहीं रहता, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्लो होता रहता है, ठीक है। चलो आगे क्या है, आप देखो इनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल, यहाँ तो ब्लड वेसल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। आगे चला जाए, देखो इनका एग्जांपल होता है मोलस्कस आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स। आगे चला जाए तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि टिश्यूज जो होते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन यहाँ टिश्यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं आपके, ठीक है। तो चलो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, यही आपका, आप देखो अगली स्लाइड में हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं नाराज, मेरे चैनल पे कोई भी आ जाए ना, मैं नाराज किसी को नहीं होने दूंगा, चाहे वह हिंदी भाषी हो चाहे वह इंग्लिश भाषी हो, आपके साथ हम पूरी पूरी मेहनत करेंगे। इसी के लिए मैंने आपको अपना जीमेल दे रखा है, जो कि है sachingupta95368, ठीक है, जिसके ऊपर आप जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको उस क्वेश्चन को मैं ऐसे रिजॉल्व करूँगा जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं, ऑनलाइन कोचिंग को नहीं, आप एक ऑफलाइन कोचिंग को कर रहे हो, ठीक है मेरा। बाकी अगर आप लोग अच्छे से अच्छी क्वेरी पूछते तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, इससे आप मेरे साथ रेगुलरली कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखो, यही सब मेरे भाई हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। बंद परिसरण तंत्र और खुला परिसरण तंत्र, सॉरी थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है, तो खुला परिसरण तंत्र और बंद परिसरण तंत्र, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ। तो देखो ये क्या है, संचार प्रणाली का प्रकार जहाँ रक्त रक्त वाहिकाओं के भीतर फैलता है, ठीक है। तो जो रक्त है ना आपका, जो ब्लड है वह, मैंने आपको बताया कि जो बंद परिसरण तंत्र होता है, बंद परिसरण तंत्र जो होता है वह आपका बंद, जो आपका रक्त होता है वह रक्त वाहिकाओं के अंदर फ्लो होता है, ठीक है, उनके अंदर फैलता है। अब देखो यहाँ पे जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वह आपकी प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं, ठीक है। अब देखो ये ऐसा पाया जाता है केशुकाओं में और एनिलिड्स में, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अगला देखो हमारे पास हिंदी के अंदर है, रक्त सीधे उत्तक के साथ संपर्क में नहीं आता है, मैंने आपको पीछे ये समझा दिया। अब हम देखते हैं ओपन में, ठीक है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र का वह प्रकार जहाँ जो आपका हीमोलिम्फ होता है वह सीधे सीधे उत्तकों का स्नान करता है, ठीक है, यानी जो टिश्यूज होते हैं ना उनके सीधे सीधे कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया है रक्त वाहिकाएं यहाँ पर तो मौजूद हैं, यहाँ पे आपकी कैसी मौजूद, लेकिन यहाँ पर आपकी अनुपस्थित है, ठीक है। अब देखो ऐसा पाया, इसका एग्जाम्पल होता है मोलस्कस आर्थ्रोपोड में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो आपके उत्तक होते हैं वह सीधे सीधे ब्लड से घिरे होते हैं, सीधे सीधे आपके रुधिर से जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, उससे घिरे रहते हैं, ठीक है। हमारे पास है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो मेरे भाई तीन प्रकार का आपको पढ़ना है, ठीक है। आप देखो जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं इनमें तीन प्रकार का परिसंचरण तंत्र अभी तक रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये आपका जो है ये कैसा हो, कौन कौन से प्रकार है, देखो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा है डबल ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरा है डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो आपका परिसंचरण तंत्र है उसके तीन प्रकार होते हैं, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है,
ठीक है, यानी आपके 3 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वह रिपोर्ट किए गए हैं, अभी तक देखे गए हैं, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन और डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तीनों को बहुत ही अच्छे लेवल पे हमें समझना है, क्योंकि तीनों ही समझने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग तीनों को समझते हैं। ठीक है, अभी टेंशन ना लेना, ये सिंगल ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, तो जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज आ जाएगी, तो मेरे हिंदी भाषी मित्र बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, ये देखो मेरी सुंदर सी राइटिंग में एक बहुत जबरदस्त डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जो कि है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। देखो, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन जिनमें होता है वह आपकी सिंपल है, आपकी फिशेस होती हैं। ठीक है, आप देखो फिशेस में किस तरीके से जो ब्लड होता है वह पूरी बॉडी के अंदर आपका सर्कुलेट होता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन में हम क्या देखेंगे कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वह किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड आपका फ्लो होता है। तो देखो, ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल बीच में, देखो अपनी लिखा है गिल्स। ठीक है, तो ये जो गिल्स है ना, ये जो आपकी गिल्स हैं, ये ठीक है, ये जो आपकी गिल्स है, ठीक है, देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है, जो O2 को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, और लंग्स में भी जो पार्ट होता है, जो मेन साइट होती है जहाँ O2 लिया CO2 छोड़ा जाता है, वह होती है आपकी एल्यूबलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, एल्यूबलाई। ठीक है, आप देखो क्या होता है, ये जो गिल्स होते हैं ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी O2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। ठीक है, आप देखो होता क्या है, जैसे ही गिल्स पे ना आपकी O2 ली जाएगी, CO2 छोड़ी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से O2 ले ली गई है और CO2 छोड़ दी गई है। ठीक है, क्या की गई है, CO2 आपकी छोड़ दी गई है। ठीक है, ये देख रहे हो आप गिल्स, यहाँ पे क्या है, आपकी ऐसी जगह पे आपकी O2 ले ली गई है। ठीक है, अब O2 आपकी जैसे ही ली गई है, ठीक है, आपकी O2 क्या की गई है, जैसे ही ली गई है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा ब्रश ले लिया जिससे मैं आपको चीज़ें और भी अच्छे समझा पाऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आप गिल्स देख रहे हो, ठीक है, जो फिशेस होती हैं, जो मछली होती हैं, उनमें गिल्स वह जगह होती है जहाँ पे आपका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इस पार्शियल प्रेशर के डेवलप होने की वजह से, ठीक है, जो O2 होता है वह गिल्स खींचती हैं और जो CO2 होता है वह गिल्स छोड़ती हैं। अब पार्शियल प्रेशर की वजह से ऐसा कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है तो मेरी जस्ट पिछली वाली वीडियो में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं अगर चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो देखो O2 गिल्स पे ली जाती है और CO2 गिल्स पे छोड़ी जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ऐसा किया जाता है, ठीक है, जैसे ही ऐसा क्या है आपका किया जाता है, ठीक है, तो होता क्या है आपका, जैसे ही ऐसा किया जाता है तो होता क्या है कि आप ये देख रहे हो, ये जो गिल्स हैं, ठीक है, क्या है ये आपके, जो आपकी ये गिल्स हैं, ठीक है, इनसे गिल्स से क्या होता है, ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ये बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं इनमें ये क्या करती है, आपके एंटर करती है। ठीक है, तो O2 क्या करता है, बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं उनमें ये आपके क्या करती है, एंटर कर जाती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी O2 अगर आपका कभी ब्लड जो होता है भाई आपका जब O2 से मिक्स हो जाता है, ठीक है, ब्लड में जब ऑक्सीजन पाई जाती है तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि ब्लड की जो ऑक्सीजन होता है उसे लंग से कैरी करने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या है आपको जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ब्लड के मैं आपको 4 कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, एक को मैं कहूंगा WBC, दूसरे को कहूंगा RBC, तीसरे को कहूंगा प्लेटलेट, चौथे को कहूंगा मैं आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी RBC होती है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनमें एक चीज़ पाई जाती है, एक रेड पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इस लाल रंग के पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो आपका लंग्स होते हैं, ठीक है, उससे ऑक्सीजन को खींच के पूरी बॉडी के अंदर लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, ब्लड का ही एक पार्ट आपका है RBC और RBC का एक पार्ट है आपका हीमोग्लोबिन। तो अगर ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपका RBC पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा होगा। अगर RBC पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होता क्या है कि जो आपकी गिल्स होती हैं, ठीक है, इन्हीं गिल्स से ना जो
आपका O2 होता है यह पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है ब्लड के साथम साथ, ठीक है। याद रखना, जब ब्लड के साथ में O2 मिलता है तो हम ऐसे ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, सबको ये ब्लड मिल जाएगा, ठीक है। जितने बॉडी पार्ट हैं सबको मिलेगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ना ब्लड के थ्रू, सबको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे बॉडी पार्ट, फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अपनी वर्किंग के लिए फूड करेंगे प्रिपेयर, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये फूड प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट किया जाएगा जिसे हम कहते हैं CO2, ठीक है। आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है, नाक मत कटवा देना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब फूड प्रिपेयर किया जाता है तो एक वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं CO2, ठीक है। अब क्या करा, बॉडी ने ले ली O2 के लिए, और O2 का इस्तेमाल करके जब फूड के साथ रिएक्शन कराई O2 की, देखो सब पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है। मैंने आपको बताया था जब आपका फूड जब O2 के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, तो आपका प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस आपका प्रोड्यूस होता है H2O प्लस आपका प्रोड्यूस होता है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने, O2 यूटिलाइज हो जाएगा इसी तरीके से सारा का सारा, और उससे एनर्जी बनेगी, एनर्जी हमारी बॉडी यूज करेगी, ठीक है। और जो CO2 प्रोड्यूस होगा वह अब आगे लेके चला जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब यहाँ पे, लेकिन ये सारा का सारा क्या हुआ, बॉडी के लिए मिल गया, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये सब के सब बॉडी को मिल गया, लेकिन बॉडी ने क्या छोड़ा, यहाँ से क्या चीज़ निकाल दी, बॉडी ने यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया CO2, ठीक है। क्या निकाल दिया, CO2, ठीक है। अब जब ये CO2 निकाला है बॉडी ने, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब जो ब्लड होगा उसके अंदर O2 तो है नहीं, अब क्या चीज़ होगी, ब्लड के पास हो गया CO2, ठीक है। क्या होगा ब्लड के पास, अब CO2, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो रहा नहीं, अब तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यानी पहले जब यहाँ पे हमने देखा तो ब्लड के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी, ब्लड के पास क्या थी यहाँ पे दोस्तों, ऑक्सीजन थी। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन थी भाई, ऑक्सीजन बॉडी के पास लेके जाई गई, लेकिन क्या किया बॉडी ने, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया और CO2 को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब आगे बॉडी में जो फ्लो होगा वह होगा आपका CO2 फ्लो ब्लड के साथ में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेकर गिल से लेकर और जो पूरी बॉडी में लेके आपके क्या चीज़ फ्लो होते आई, आपके O2 प्लस ब्लड, ठीक है। इसको हमने क्या बुलाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बुलाया हमने से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका CO2 और ब्लड होगा, इसलिए हमसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप सिंपल समझो, ऑक्सीजनेटेड को अगर आप ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन एक तरफ, जनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी यानी विदाउट और ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन के बिना वाला ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये आपका लेके जाया जाता है गिल्स तक, ठीक है। फिर से क्या किया जाता है, ये आपका इस तरीके, अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एंटर करता है हार्ट में से, कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं आपका आर्टरी, ठीक है। आर्टरी के बाद ये जाता है आपका वेंट्रिकल में, ठीक है। किस में जाता है, आपका वेंट्रिकल में, यानी कि सिंगल बेड सर्कुलेशन किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिनका हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जिनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर को हम लोग कहते हैं आर्टरी और एटेरियम, एट्रियम कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल ब्लड सर्कुलेशन को करते हैं, ठीक है, उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। एक चैम्बर को हम लोग कहते हैं एट्रियम और दूसरे चैम्बर को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पास होगा, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, आपका लंग्स तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, आपका लंग्स तक, ठीक है। लंग्स से ही आपका CO2 रिलीज कर दिया जाएगा और O2 आपका फिर से सीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका O2 रहा, ये आपका CO2 रहा, ठीक है। तो CO2 यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा ऊपर की तरफ के लिए और O2 आपका लंग्स से फिर से आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, O2 आपका यहाँ से दोस्तों फिर से आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से पूरी साइकिल जो है आपकी वो चलती रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैं एक बार फिर को पूरे को समराइज कर देता हूँ एक बार दोबारा से। देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपसे अभी क्या कहा, तो मैंने आपसे प्यारे भाइयों ये कहा कि जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, जो आपका ये ब्लड है, ठीक है, जो आपकी ये गिल्स हैं, इन गिल्स पे आपका क्या होता है कि O2 आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, O2, ठीक है, और O2 को पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम होता है ब्लड का, ठीक है। तो ब्लड के साथ में ये O2 चला जाता है, ठीक है। अब ये बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं सबको ये O2 मिलता है, ठीक है। O2 क्या, अब यहाँ क्या होता है, जैसी बॉडी के लिए O2 मिलता है तो फूड प्लस O2 की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ 3 चीज़ें बनती हैं, एनर्जी बनेगी, CO2 बनेगा प्लस आपका H2O बनेगा, ठीक है। H2O यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है,
रही बात CO2 की, ठीक है, तो CO2 अब ब्लड लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है, O2 अपना ये छोड़ जाता है बॉडी के पास में और CO2 लेकर अभी आगे बढ़ता है, ठीक है। अब यही ब्लड जो कि CO2 के साथ वाला, ये आपके एट्रियम से पास होता है, फिर वेंटिकल से पास होता है, ठीक है, फिर ये आपका सीधे सीधा किसके पास जाता है, आपके गिल्स के पास में जाता है, ठीक है। अब गिल्स क्या करेंगे, CO2 को रिलीज कर देंगे, O2 फिर से ले लेंगे, ठीक है, फिर ये O2 वाला ब्लड फिर आएगा बॉडी के पास, बॉडी इस O2 को फिर से यूटिलाइज करेगी फूड के साथ में, ठीक है, और इससे फिर से एनर्जी O2 CO2, फिर से CO2 बन गया, ये CO2 आपका फिर से आएगा यहाँ पर, फिर एट्रियम वेंटिकल से पास होगा, फिर गिल्स के पास आएगा, गिल फिर से CO2 छोड़ देंगे, फिर से O2 ले लेंगे, तो इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो मैं लिए चलता हूँ तुम्हें अब स्लाइडों पे, ठीक है। तो पहली स्लाइड क्या है हमारे पास, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब सिंगल ब्लड सर्कुलेशन में जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे वही सब आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ कहा भी जा रहा है कि एक मिनट, अब देखो यहाँ पे वही सब बोला भी जा रहा है कि इन सिंगल ब्लड सर्कुलेशन हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। तो मैंने अब आपको बताया कि सिंगल ब्लड सर्कुलेशन जिन बॉडीज में पाया जाता है, ठीक है, वह होती है आपकी वो बॉडी जिनमें हार्ट टू चेम्बर्ड होता है, ठीक है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जब आपकी बॉडी रेस्पिरेशन को करती हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है CO2, ठीक है, और CO2 को क्या करती है, बॉडी इकट्ठा करती है और लेकर जाती है उसे एट्रियम तक, ठीक है, और फिर पास हो जाती है वेंट्रिकल से। एट्रियम वेंट्रिकल हमने भी ऐसे देखा था, ऐसे करके था एट्रियम वेंट्रिकल, तो यहाँ से पास हुई एट्रियम से, फिर वेंट्रिकल से, फिर ये कहाँ तक पहुँची, आपकी गिल्स तक, ठीक है, कहाँ तक पहुँच गई आपकी गिल्स तक। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है स्लाइड में, अगला है फ्रॉम वेंट्रिकल कैरी अप टू द गिल्स, वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन है, हम इसे डीऑक्सीजनेटेड क्यों कह रहे हैं, डी मतलब विदाउट, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन, ब्लड यानी वह ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, CO2 ही होगा, ठीक है। तो फ्रॉम वेंट्रिकल कैरी अप टू द गिल्स, इन गिल्स बोथ टाइप्स ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट, CO2 एंड O2। अब गिल्स में क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ गैसेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, CO2 भी होता है, O2 भी होता है, ठीक है, O2 फिर बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वहाँ जनरेट हो जाता है, इसी वजह से O2 बॉडी के अंदर आ जाती है, CO2 बाहर चली जाती है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे जनरेट होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये देखने के लिए पिछली वीडियो में जाओ, ठीक है। गिल्स ओपन इनटू वाटर, गिल्स कहाँ पे ओपन होती है, वाटर के अंदर ओपन होती है, ठीक है। देखो फिश है, फिश की जो गिल्स होती है वह वाटर के अंदर ओपन होती है, वाटर जो होता है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O, सीधी सी बात, अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला ही H2O तो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होगी होगी, ठीक है। वाटर बॉडीज एंड डिजॉल्व गैसेज आर प्रेजेंट इन बिटवीन वाटर बॉडीज एंड डेवलप पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द गैसेज, ठीक है, पार्शियल प्रेशर लगता है जिसकी वजह से जो O2 होता है वह अंदर जाता है, CO2 गिल से बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, कभी पूछा जाए कि गिल्स अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, ठीक है, तो देखो गिल्स अपनी ऑक्सीजन दो तरीके से ले सकती हैं, आपने अगर थोड़ी सी एनवायरनमेंट पढ़ी होगी तो उसमें आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा फोटिक जोन, ठीक है, फोटिक जोन ऐसा जोन जहाँ तक सन की लाइट पहुँचती है, ठीक है, फोटिक जोन, ठीक है, इसी फोटिक जोन में मोस्टली जो फिशेज होती हैं वह सारी रहती हैं, ठीक है। इस फोटिक जोन में क्या होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, अब अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जहाँ का वाटर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका वाटर होगा वह भी आपका प्योरीफाई होगा। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पे पानी प्योरीफाई होता है, ठीक है, अरे कोई सी जगह हो यार, पानी का मॉलिकुलर फॉर्मूला है H2O, ठीक है, तो वहाँ पर O तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसी O को क्या कराया जाएगा, जो फिशेस होंगे भाई गिल्स के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे और CO2 को पानी के अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो है आपका पूरा का पूरा रहा हिंदी में, ठीक है, वाह क्या शब्द आ रहे हैं, वाह वाह नहीं वाह वाह, चलो मैं एक साथ पूरा ले लेता हूँ, उसे आने बहुत समय लगेगा, पूरा ले लेता हूँ। अब देखो इसे पढ़ते हैं अपन लोग हिंदी में, जितना भी इंग्लिश पढ़ाते हैं हिंदी पढ़ते हैं। एकल रक्त परिसंचरण में दिल दो कक्षीय होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, समझा दी मैंने आपको। परिसंचरण में शरीर से एकत्रित रक्त अशुद्ध होता है, ठीक है, जब परिसंचरण होता है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे शरीर का जो रक्त होता है अशुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो गिल्स के पास पहुँचता है, ठीक है, तो जो
आपका जो रक्त होता है वह शुद्ध हो जाता है और हृदय के एट्रियम तक ले जाता है और फिर वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल में जाएगा फिर जाएगा हमारे फिश की गिल्स तक, वेंट्रिकल से लेकर गल फेफड़ों, अब गल फेफड़ों गिल्स को गल फेफड़े बोलते हैं तक दोनों प्रकार की गैसेज जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। जल निकायों में खुलने वाली गैसें और भंग जैसे जल निकायों के बीच मौजूद होती हैं और गैसों के बीच अब आंशिक दबाव नहीं होगा, यार ये गलत लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, विकसित होता है, ठीक है। इसी पार्शियल प्रेशर, यार पार्शियल प्रेशर सिंपल है, फिजिक्स की आपने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको। सीधा पार्शियल प्रेशर मींस एक हायर कंसंट्रेशन से जब कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन पे भेजी जाती है तो जो प्रेशर जनरेट होता है प्रेशर कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, हम सिंगल बेड सर्कुलेशन की और भी कुछ चीज़ें जानेंगे। अब देखो अगला क्या है, सो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस द प्रोसेस कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड फॉर ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये फॉर नहीं होगा दोस्तों और होगा, ठीक है, और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, आप देखो गिल्स के अंदर क्या था, डीऑक्सीडेटेड ब्लड गया, ठीक है, तो होगा क्या, अब जो ब्लड बाहर आएगा गिल से निकल के बह तो आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा, ठीक है, कैसा ब्लड होगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड जो बनता है, ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड या फिर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार के हम लोग जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसे कहते हैं हम लोग सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। अब यह किन किन में पाया जाता है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, एक देखो तुम्हें धमाकेदार क्वेश्चन बताऊं, कभी तुम किसी से पूछना कि क्या सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कभी ह्यूमन में होता है तो वो कहेगा नहीं होता सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि कॉमनली सबको ये पता है कि ह्यूमन के अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन मेरे भाइयों जो एम्ब्रियो होता है ना एम्ब्रियो के अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, लेकिन जब वो फिर आगे चाइल्ड में डेवलप हो जाता है, ठीक है, फिर उसके अंदर डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो मेरे भाई ह्यूमन बींग के अंदर भी सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, बट कब होता है, जब भाई ह्यूमन एम्ब्रायो के स्टेज पर होता है, ठीक है। अब देखो और किन किन में होता है, ये फिशेस में होता है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, टैडपोल में होता है, लार्वा में होता है, ठीक है। तो इन सब में दे आर द एग्जाम्पल इन विच सिंपल ब्लड सॉरी इन विच सिंगल ब्लड सर्कुलेशन अकर, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिनमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब हिंदी में बात कर ली जाए तो हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, यह आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ फैक्ट है हमारे पास, डिड यू नो, ठीक है, ये कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहला फैक्ट क्या है कि स्टारफिश, ठीक है, जेलीफिश, ब्लू वेल और स्टारफिश, ये सब हम लोग क्या समझते हैं, दे ऑल आर फिश, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में फिश आ रहा है, ठीक है। अब पता लगे पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए स्टारफिश जो है ना उसके अंदर कैसा सर्कुलेशन होगा, अब आपने देख लिया पीछे फिश लगा हुआ, तुरंत आपने लगा दिया सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पर टिक, ठीक है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल ब्लड सर्कुलेशन जरूर है, मेरी बात को यहाँ समझने की कोशिश करिए, पीछे लगा हुआ है फिश, जैसे आपने देखा कि पेपर में आ गया पीछे लगा हुआ फिश तो आपने सोचा अरे स्टार फिश ये तो फिश है, आपने सीट टिक कर दिया सिंगल ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फिश में कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। तो ये मूर्खता कभी मत करना, क्योंकि जो चार है ना ये जैसे हैं वैसे, जैसे नाम में है ना वैसे काम में नहीं है, क्योंकि स्टार फिश आर्थ्रोपोड होता है, फिश नहीं होती है, जेलीफिश भी आपका सिलेंटेटा होता है, ब्लू वेल आपकी मैमल होती है, स्टार फिश आपका अनवर्टिब्रेट होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी सेप होती है फिश की तरह, इसलिए इनके नेम के पीछे फिश लगा होता है, लेकिन एग्जैक्टली दे आर नॉट फिश, ठीक है, ये रियल फिश नहीं होती, ठीक है, दे आर फॉल्स फिश, ठीक है, ये रियल फिश नहीं होती हैं। सिल्वर फिश जिसे हम लोग फिश समझते हैं ये आपकी आर्थ्रोपोड होती है, जेलीफिश आपका सिलेंटेटा होता है, ब्लू वेल आपकी मैमल होती है और स्टार फिश आपका इनवर्टिब्रेट होता है, ठीक है। तो कभी भी पेपर पूछ लिया जाए व्हाट इज कि ब्लू वेल कैसा सर्कुलेशन करती है, वाह बड़े मस्ती में लगाया, वाह सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि सारी फिश सिंगल ब्लड सर्कुलेशन को परफॉर्म करती है ना, ये परफॉर्म करेगी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जितने मैमल होते हैं वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ब्लू वेल कहीं पीछे देख के लो कि ब्लू वेल वाह मछली है तो लगा जाओ, ठीक है, तो ऐसा कभी पेपर में नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कन्फ्यूज रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट द एग्जाम्पल दे आर द फॉल्स फिश, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है रियल फिश का, ये फॉल्स फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ना उसका सिंपल और साधारण मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, ठीक है, फिर मैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डायग्राम उसे और कॉम्प्लेक्स करूंगा, फिर इसके बाद मैं और कॉम्प्लेक्स करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं
इतना ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स हो जाए इसमें तुम घबरा जाओ, ठीक है। तो मैं हल्के हल्के चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं एक और ब्रश ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम बड़ा है, वहाँ तक पीपीटी का जो ब्रश है वो नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो जल्दी से मैं एक और ब्रश ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने ब्रश। अब देखो देखो प्रोसेस को अगर आप सिंपली समझना चाहो, बहुत सिंपली, तो देखो क्या है। देखो ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है, लंग्स। अब देखो लंग्स में क्या हो रहा है आपका, लंग्स यहाँ से जिस गैस को रिलीज कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं O2, ठीक है। और O2, अब इस O2 को लंग्स से लेकर, ठीक है, पूरी बॉडी में लाना किसका काम है भैया, ब्लड का काम है। आपकी जो O2 है इसे बॉडी के हर एक पार्ट तक लाना किसका काम है, ब्लड का काम है, क्योंकि ब्लड के साथ डिजॉल्व होकर O2 आता है, ठीक है। तो ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स ने लिया आपका O2, ठीक है। अब आपका O2 आएगा आपके हार्ट तक, O2 कहाँ तक आएगा, आपके हार्ट तक, ठीक है। हार्ट से क्या करेगा, ये हार्ट को पास करेगा और हार्ट से ये चला जाएगा ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर, कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं आपको 75 बार बता चुका हूँ अभी जल्दी में ही कि ब्लड जब O2 के साथ में मिक्स होता है तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब क्या होगा, ये रही आपकी पूरी बॉडी, ठीक है। अब इस पूरी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलेगी रेस्पिरेशन, ठीक है, और इसी रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि O2 तो ये जितनी O2 यहाँ पे थी वो सारी की सारी बॉडी ले लेगी, और बॉडी बदले में क्या देगी इन्हें, CO2 देगी। बॉडी बदले में क्या देगी, CO2, यानी कितनी खुदगर्ज बॉडी है, लेगी O2 लेकिन देगी क्या, CO2, ठीक है। हमारी जिस सेल से ये ब्लड पास हो जाएगा, जिस सेल से O2 पास हो जाएगी, जिस सेल से ब्लड के साथ में O2 पास हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लड के लिए O2 नहीं देगा, ब्लड कहेगा मेरा O2 वापस लौटा मेरे को, लेकिन ना ब्लड कहेगा बिल्कुल नहीं लौटाऊंगी, समझ रहे हो। बॉडी है ना, बॉडी को जब ब्लड के साथ में O2 मिलेगा, ब्लड ले जाके O2 देगा बॉडी के लिए, ठीक है। तो बॉडी जो ब्लड को बदले में देगी O2 की जगह पे बह देगी CO2, बॉडी कहेगी ना O2 नहीं देना मेरे को, मेरे को तो CO2 देना, ठीक है। तो यही CO2 क्या करेगा, आपको फिर से जाएगा एक बार आपके हार्ट के अंदर, ठीक है। अब ये कैसा ब्लड कहलाया जाएगा, आपका कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हार्ट से यही आएगा फिर से आपका कहाँ पे मेरे भैया, आपका आएगा लंग्स तक, ठीक है। लंग्स तक ये आपका CO2 आया, ये CO2 आया, ये आपका O2 गया, ठीक है। तो आपने देखा O2 आपका इस तरीके से हार्ट पे गया, हार्ट से निकल के फिर पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी ने आपका CO2 प्रोड्यूस करी, और जो आपकी ये CO2 है ना ये आपका चला गया फिर हार्ट पे आया, और हार्ट से ये चला गया आपके लंग्स तक, ठीक है। लंग्स ने CO2 छोड़ दी, O2 फिर ले ली, पूरी साइकिल फिर से आपकी चलने लगी, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर यही होता रहता है, ठीक है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं इसे और टेक्निकल कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और टेक्निकल करते हैं। तो देखो ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसे और टेक्निकल कर दिया, ठीक है। घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, इतना टेक्निकल नहीं किया कि आपके पसीने छूटने लगे, ठीक है। अब देखो क्या ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स ने क्या करा, आपका लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये रहा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के साथ में ब्लड, ठीक है। तो अब देख रहे हो रेड रेड है, इसी वजह से रेड रेड आपको शो भी किया गया डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो आपका ब्लड है यह आपका कैसा ब्लड है, जिसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, जिसके साथ में क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जो आपका ब्लड है इसके साथ में ऑक्सीजन है, यह है आपका आया हार्ट तक, ठीक है। हार्ट ने क्या, हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम होता है ब्लड को धक्का देने का, हार्ट पंप करता है ब्लड के लिए पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हार्ट ने क्या करा, पंप कर दिया इसे पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये गया हमारे बॉडी तक, ठीक है, कहाँ गया, बॉडी तक, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉडी तक गया, बॉडी ने क्या किया, CO2 को प्रोड्यूस किया। बॉडी ने कहा कि ब्लड जो तुम O2 लेके आए थे वो हम तुम्हें देंगे नहीं, तुम हमसे ले सकते हो CO2। तो बॉडी ने कहा बहुत ही गंदी बात है ये, वो ब्लड ने कहा ये तो बहुत गंदी बात है बॉडी, हम लेके आए थे O2, तुम्हें बदले में लौटा रही CO2, कोई बात नहीं, हमारी जो ब्लड है मान गया, तो बस CO2 लेके आगे बढ़ा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हार्ट में गया, ठीक है, हार्ट में आने के बाद फिर से ये ऊपर आ गया आपका लंग्स तक गया, ठीक है। लंग्स में ये CO2 निकल गया और O2 आपका फिर से आ गया, ठीक है, ये आपका O2 देख रहा है, फिर से आ गया, ठीक है, आपका ये O2 फिर से आ गया, फिर से इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल बन गई, ठीक है। अब देखो कभी आपसे हो सकता है पूछा जाए कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल याद रखना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो ब्लड होता है बाय हार्ट से 2 बार पास होता है, ठीक है। यहां देख रहे हो 2 बार पास हो रहा है, देखो सबसे पहले यहां पर आ रहा है हार्ट में ब्लड, फिर क्या कर रहा है आपका हार्ट में ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 बार आया, एक बार यहाँ पे आया,
ठीक है, और एक बार ब्लड यहाँ पे आया तो दो बार ब्लड आया, ठीक है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं थोड़ा से और टेक्निकल करता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई टेंशन ना हो, ठीक है। ये रहा मेरा सुंदर सा डायग्राम, चलो भैया खुल जाओ, देखो ये रहा मेरा सुंदर सा डायग्राम। अब देखो चीज़ों के लिए, देखो हमारा जो हार्ट होता है वह होता है फोर्थ चैम्बर, ठीक है। वो एनिमल्स जो कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो बर्ड वो एनिमल जिस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, उनके हार्ट में होते हैं चार चैम्बर, ठीक है। ये चैम्बर राइट एट्रियम बोलते हैं हम लोग उसे, इस चैम्बर को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप जिस हाथ से अपना मोबाइल पकड़े हो, ठीक है, जिस तरह मैंने राइट लिखा है उस तरफ जो आपका हैंड है वह लेफ्ट वाला है, और जिस तरफ मैंने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है, ठीक है, उस तरफ जो आप मोबाइल पकड़े हुए वह आपका सीधा हाथ है, तो मैंने ये उल्टे क्यों लिखे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, आपके मन में आ रहा होगा वाई आई एम रिटन दिस अपोजिट, ठीक है, मैंने अपोजिट क्यों लिखा हुआ। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, ये अपोजिट इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि जब कभी भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी के हार्ट का, ठीक है, तो वह उसके ऊपर खड़ा होता है, ठीक है, तो जो लेटा हुआ है, ठीक है, उसका जो लेफ्ट राइट होता है उसका उल्टा होता है डॉक्टर का लेफ्ट राइट, ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें हमेशा उल्टा लिया जाता है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला होता है उस पोर्शन को राइट मानते हैं, राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट मानते हैं, ठीक है। तो देखो राइट एट्रियम इस वाले पोर्शन को कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, हार्ट को हमने चार हिस्सों में बांट दिया, ये वाला हिस्सा राइट एट्रियम, ये वाला हिस्सा लेफ्ट एट्रियम, ये वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल, ये वाला हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एक बात हमेशा याद रखना, जैसा हार्ट का हमने डायग्राम यहाँ बनाया है ये रियल डायग्राम नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियल डायग्राम। अब आपको MBBS तो करना नहीं है, ठीक है, ना आपको आगे कोई और एग्ज़ाम देना है, ना आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो मेरे साथ में, अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको अभी क्या है कि इतना ज़्यादा अच्छा हार्ट का डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, ना आपके पेपर में इतना अच्छा हार्ट का डायग्राम बनाने को आएगा, ठीक है। 11th की बात की जाए, 12th की, 10th की बात की जाए, तब भी नहीं आ सकता, और जिनको मैं फोकस में रख के पढ़ा रहा हूँ, जो आपके UPSC SSC PCS ठीक है इन एग्ज़ाम के बारे में, तो मेरे भाई इनमें भी कभी नहीं आएगा, ठीक है, आपके में तो बस ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। रही बात मेंस की, तो मेंस में टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, बायो नहीं आती है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो चलो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ लंग्स के लिए, ठीक है, इस लंग से क्या होगा, आपका आएगी ऑक्सीजन, ठीक है, क्या आएगी आपकी ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन होगी यह जिस, अब देखो होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए हमारे घर का टैंक है, ठीक है, उस टैंक में हमने उस टैंक से घर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पानी लाने के लिए, ठीक है, हमने बहुत सारे ट्यूब लगा दिए, ठीक है। जैसे मेरे को बाथरूम में पानी लाना है तो मैंने ट्यूब लगा दी, इस ट्यूब का मैंने नाम रख दिया ट्यूब ए, ठीक है। अब मुझे उसी टैंक से एक कमरे के अंदर पानी लेके जाना है, ठीक है, तो मैंने उस ट्यूब का नाम रख दिया ट्यूब बी, ठीक है। अब मेरे को एक कमरे के अंदर और मेरे को मेरे बेडरूम तक लेके जाना है पानी, ठीक है, तो मैंने अपने बेडरूम का नाम, बेडरूम जिस ट्यूब जो बेडरूम तक पानी लेके जा रहा है उस ट्यूब का मैंने नाम रख दिया ट्यूब सी, ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्यूब का नाम रख दिया। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने ट्यूब पड़े हुए हैं जो ब्लड को फ्लो कराते हैं, ठीक है, उनका भी हमने एक नाम रख रखा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, वह ट्यूब जो कि क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, उसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन, ठीक है। उस ट्यूब का क्या नाम है, पल्मोनरी वेन नाम है, ठीक है। हमेशा याद रखना, वह ट्यूब जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, उस ट्यूब का नाम होता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो, मैंने लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैंने क्यों लिखा है, ऐसे लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि अब जो है ना ब्लड के साथ में ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक है, क्या आ चुकी है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन आ चुकी है, इसीलिए मैंने इसे लिखा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आप देखो क्या होगा, ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये आपका जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इसके बाद जाएगा आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ जाएगा ब्लड आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। इसके बाद हार्ट से जो हमारा ट्यूब ब्लड को बाहर लेकर आता है, ठीक है, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाता है, उसको हम कहते हैं एरोटा, क्या बोलते हैं, एरोटा, ठीक है, ध्यान रखना क्या कहा जाता है इसे, एरोटा, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जिस भी ट्यूब के द्वारा
पहुंचाया जाता है O2 के लिए, ट्यूब को हम कहते हैं एरोटा, ठीक है। और अब ये जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, इसको क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। अब यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो यूटिलाइज करेंगे इसको फूड बनाने में, ठीक है, फूड बनाने में। अब मैं रिएक्शन बहुत बार लिख चुका हूँ, अब मेरा कोई मूड नहीं है उस रिएक्शन को फिर से लिखने का, अगर मैं डिक्टेट कर देता हूँ। रिएक्शन क्या है कि फूड के साथ में जब भी O2 मिलेगा, ठीक है, तो प्रोड्यूस होगा H2O प्लस CO2 प्लस आपका फूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका O2 है तो आपका यूटिलाइज हो गया, क्या हो गया, O2 आपका मैं तो आपका यूटिलाइज हो गया आपका किस में, फूड बनाने में, ठीक है। लेकिन जो हमें बदले में मिला भाई, क्या मिला, CO2। बदले में क्या मिलेगा, CO2। अब CO2 के साथ में जो फूड होता है उसे हम कहते हैं, CO2 के साथ में जो ब्लड होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जो ब्लड पास होगा भाई आपका कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ से जो ट्यूब ब्लड को कैरी करके लेकर जाएगा उसे कहते हैं वेना कावा, क्या बोलते हैं, वेना कावा, वॉट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड वीना काबा, ठीक है। अब ये ब्लड हमारा ऊपर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से लेके जिस ट्यूब के हेल्प से ये राइट एट्रियम में जाएगा हार्ट के, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वॉट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगा ये, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी अभी क्या जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, स्वाद जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। इसके बाद ये सीधे चला जाएगा हमारे लंग्स पे, कहाँ जाएगा ये, लंग्स पे चला जाएगा, ठीक है। और लंग्स से होगा क्या, फिर से CO2 बाहर निकाल दी जाएगी एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट से जो O2 होगा भाई आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो O2 ले ली जाएगी और CO2 छोड़ दी जाएगी, ठीक है। O2 का इनहेल होगा और O2 का एक्सहेल होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को, मुझे लगा थोड़ा सा आपको समझने में कॉम्प्लेक्स सिटी आएगी, तो मैंने सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इसी वजह से सबसे पहले इतना सिंपल डायग्राम लिया जो एक एक बच्चा समझ सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल डायग्राम आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं चैलेंज लगा सकता हूँ, मिल नहीं सकता, ठीक है। फिर से थोड़ा मैंने और टेक्निकल किया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, देखो हो सकता है कि कोई भैया मेरा ऐसा पढ़ रहा हो मेरी इसको देख के जिसका बैकग्राउंड आर्ट साइड का हो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सब बायो से ही हो, सब साइंस से ही हो, ठीक है। तो कोई किसी भी साइड से हो आप, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ एक डायग्राम का यूज ना करके तीन डायग्राम का यूज किया, ठीक है। और तीसरी बार जो डायग्राम यूज़ किया ये मेरा खुद का ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। तो चलो हम आगे चलेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार हम थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है, जिसे अंतिम कहते हैं डबल रक्त परिसंचरण, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो वही सब कुछ है जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका, ये आपका किस में पाया जाता है, ये उनमें पाया जाता है, एक सेकेंड इस ब्रश का कोई काम नहीं है, हटा देता हूँ मैं। देखो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जिनमें पाया जाता है वह आपके वो होते हैं जिनके पास हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। देखो यहाँ कितने चैम्बर बने हुए हैं आपके, ध्यान दो, यहाँ आपके 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने हैं चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, ठीक है। देखो पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, ठीक है। तो 4 चैम्बर हैं यहाँ पे। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम उनमें होता है जिनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 एट्रियम होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस सर्कुलेशन में क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है आपका, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, वह कलेक्ट किया जाता है बॉडी से एंड लाया जाता है राइट एट्रियम तक। देखो कलेक्ट किया गया, देखो यहाँ पर बॉडी पे, और कहाँ तक लाया गया आपका, ये राइट एट्रियम तक, देख रहे हो, यहाँ पे लाया गया, ठीक है। राइट एट्रियम से फिर कहाँ गया आपका, राइट वेंट्रिकल पर, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया आपका, ये देखोगे आप, लंग्स तक, ठीक है, कहाँ जा रहा है, सीधे लंग्स तक, ठीक है। तो चलो मैं आगे चलता हूँ, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, लंग्स पे जाएगा, फिर इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन मैंने आपको पीछे बताया, प्यूरिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ब्लड के साथ में CO2 ना जाके क्या जाएगी, ब्लड के साथ में O2 जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्योर ब्लड कम टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अभी प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, देखो आपका ये आएगा लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, नहीं देख पा रहे हो तो ये देखो रही लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और फिर ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे यही कहा, फिर ये कहाँ चला जाएगा आपका, होल बॉडी, इनफ्लो इन द होल बॉडी, ठीक है। अब यही सब कुछ आपका हिंदी में लिखा हुआ है, अच्छा इंग्लिश में ही है, नेक्स्ट बार हिंदी में होगा। अब क्या है, इन दिस प्रोसेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द सर्कुलेशन डिजिटेट फॉर्म। अब देखो उसमें क्या कह रहे हैं कि इस पूरे के दौरान जो आपका ब्लड होता है ना वह आपका फ्लो होता है हार्ट से 2 बार, ठीक है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर जो डिजिट फॉर्म होती है, एक बार जरा ध्यान देना मेरे साथ में, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका IAS में कि जब सर्कुलेटरी पूरा जब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो कौन सी डिजिट फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो,
कोरोनेटेड फॉर्म हो रही है आपकी एडेट, एड नहीं लग रहा आपको फॉर्म हो रहा है, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है। आप यहाँ से देखो ब्लड आया, ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट से ब्लड गया, फिर से हार्ट में एंटर किया, फिर से निकला, फिर लंग्स तक गया, ठीक है। देखो फिर समझा देता हूँ, ये आपका एट डिजिट, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी डेट फॉर्म होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी डेट फॉर्म होती है। अब देखो ये आपका लंग्स है, ये आपका हार्ट है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है। देखो लंग से ब्लड निकला, कहाँ तक गया, आपके हार्ट तक, हार्ट ने धक्का दिया ब्लड के लिए, फिर कहाँ तक गया, बॉडी, बॉडी से फिर हार्ट पर गया, हार्ट पर जाने के बाद फिर से कहाँ चला गया, लंग्स पर, ठीक है। तो बिल्कुल एक्जैक्टली देखो कैसा आ रहा है, एट डिजिट की तरह आ रहा है पूरा 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 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा आ रहा है आपका, एट डिजिट की तरह आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डिजिट आपकी बनती है उसे हम कहते हैं आपका, कौन सा डिजिट बोलते हैं हम उसे बोलते हैं आपका डिजिट एट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई पेपर के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है एक। चलो तो ये सारा का सारा वही है जो मैंने आपको भी समझा दिया, ठीक है। आए एक मिनट, हाँ तो आए एक्सप्लेन ऑल एयर, ठीक है। अच्छा ये किन किन में होता है, ठीक है, तो याद रखना मैमल्स में होता है, वर्ड में होता है, क्रोकोडाइल में होता है, एलिगेटर में होता है, ठीक है। तो आपसे भी पूछा जाए कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग मैमल्स, फिर वर्ड्स, फिर क्रोकोडाइल, फिर आपका एलिगेटर, ठीक है, एलिगेटर यानी घड़ियाल, ठीक है। तो देखो इतनी बातें ये आपकी आगे सब हिंदी में, ठीक है, सब वही है जो मैंने आपको भी इंग्लिश में सिखा, इंग्लिश में बताया, सार का सारा पढ़ लेना। देखो ये संचरण में रक्त संचरण अंग एट बनाता है, ठीक है, हृदय, क्योंकि दो बार हृदय से गुजरता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बात किया तो स्तनधारी पक्षी, मगरमच्छ, ठीक है, और आपका घड़ियाल, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, हम लोग पढ़ेंगे डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डबल ब्लड मिक्स सर्कुलेशन। अब देखो ये क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे फिर से एक बार वही वाला ब्रश लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन के ज़्यादा ऊपर तक मैंने डायग्राम लगा दिया है। एक मिनट दोस्तों, अभी मैंने ले लिया ब्रश, ले लिया, ठीक है। अब देखो ये कैसा होता है, देखो दोस्तों ये क्या है आपका, ये है आपका लंग्स, ठीक है, क्या है ये, लंग्स है, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वालों का क्या है ये, लंग्स, ठीक है। अब देखो लंग्स क्या करेगा, लंग्स एक ऐसी साइट होती है ना जहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, मैंने आपको बताया ना अभी, लंग्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, जहाँ आपका ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, सिंपल वे में आप समझिए, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वह ले ली जाती है, सीटू छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे आपका सिंपल क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वह लंग से कहाँ पे जाएगा आपका, देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये लंग से आपका कहाँ तक जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ पहुँच रहा है आपका, पहुँच रहा है वेंट्रिकल में, कहाँ पहुँच रहा है आपका, ये वेंट्रिकल में, ठीक है। आप देखो ये रही आपकी बॉडी, ठीक है। आप देखो बॉडी के पास क्या होगा, आपका जो इम्प्योर ब्लड है आपका बह जाएगा बॉडी से, बॉडी से तो इम्प्योर ब्लड ही जाता है ना, क्योंकि वो CO2 पैदा कर देता है, O2 खत्म कर देता है। तो ये रहा आपका CO2 वाला ब्लड, ठीक है। और ये भी राइट एट्रियम से कहाँ पे जा रहा है आपका, वेंट्रिकल में, कहाँ जा रहा है आपका, वेंट्रिकल में, ठीक है, कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ से इसी से वेंट्रिकल से आपका जो मिक्स ब्लड है वह आपका जा रहा है बॉडी तक, ठीक है, कहाँ जा रहा है आपका, बॉडी तक, ठीक है। फिर आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो कि आपका बॉडी से आया है, ठीक है, ये आपका पहुँचता है लंग्स तक, लंग्स से CO2 बाहर निकाल दी जाती है, फिर से आपका ऑक्सीजन लिया जाता है, ऑक्सीजन आपका फिर से लेफ्ट एट्रियम तक जाके फिर वेंट्रिकल तक जाकर, ठीक है। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल से जाके ये बॉडी से, वेंट्रिकल से जाने के बाद होगा क्या कि जो आपका ये मिक्स ब्लड है, जो आपका जो मिक्स है ना, जिसके अंदर O2 और CO2 दोनों है, देखो इसके अंदर एक खास बात है, खास बात क्या है कि जो आप यहाँ देख रहे हो वेंट्रिकल, ठीक है, इस वेंट्रिकल के पास दोनों तरीके के ब्लड होते हैं, बह वाला भी जो O2 के साथ में, बह वाला भी जो CO2 के साथ में। कैसे, देखो ये बात ध्यान दो, लंग से बह ब्लड गया जो कि कैसा है, O2 के साथ वाला, ठीक है, ये पहुँचा आपका वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से क्या हुआ, ब्लड निकला आपका आगे ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर आगे निकला बॉडी तक गया। अब बॉडी क्या करेगी उस ऑक्सीजन को ले लेके, कि ना हम नहीं देते, ठीक है, अब क्या होगा, ये देगी नहीं। अब क्या होगा, यही बॉडी जिसने CO2 प्रोड्यूस किया, ये ब्लड आपका राइट एट्रियम तक आएगा, राइट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब देखो यहाँ पर इसी वेंट्रिकल में प्योर ब्लड भी है जो लंग से आया है, ठीक है, और इसी के अंदर आपका
क्या है, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इसके साथ में CO2 बह वाला ब्लड भी है। तो यहाँ पे आपके दोनों प्रकार के क्या गए दोस्तों, ब्लड आ गए। इसी वेंटिकल से आपका लंग्स तक चला जाएगा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर इसी लंग्स पे आपका CO2 छोड़ दी जाएगी, O2 ले ली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वेंटिकल एक ऐसा साइट होता है जिसके ऊपर आपका ऑक्सीजन भी आता है और CO2 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका मिक्स ब्लड फ्लो करता है बॉडी के अंदर। कैसा फ्लो करता है बॉडी के अंदर, आपका मिक्स ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। क्योंकि जो वेंटिकल साइट होती है इसके ऊपर देखो दोस्तों होता क्या है कि दोनों प्रकार के ब्लड आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्लियरली विजुलाइज कर पा रहे होगे कि यहाँ से ब्लड आ रहा है लंग से भी, ठीक है, ये आ गया, और बॉडी से भी जो इम्प्योर ब्लड है वो वेंटिकल तक आ रहा है। तो वेंटिकल तक कैसे कैसे, O2 भी पहुँच रही है ब्लड के साथ में, CO2 भी पहुँच रही है, ठीक है। और ये जो दोनों का जो मिक्सचर होता है ये चला जाता है आपका बॉडी तक, ठीक है। दोनों का जो मिक्सचर है वह कहाँ चला जाएगा, आपका बॉडी पर, ठीक है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये आपका चला जाता है लंग्स तक, ठीक है। कहाँ चला जाता है, लंग्स तक, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के ब्लड, ऐसे प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं स्लाइडों पे, देखो यही सब दिया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे तो देखो कहा जा रहा है कि इन डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, इन डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन हार्ट इज 3 chambers, 2 atrium and 1 ventricle, ठीक है। तो जो जिनमें डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है उनका जो हार्ट होता है उनके हार्ट में 2 atrium होते हैं और 1 ventricle होता है, ठीक है। आप अगर आप पीछे भी देखोगे तो आप समझ पाओगे, देखो यहाँ देखो दो तो एट्रियम है ऊपर की तरफ के लिए और नीचे की तरफ के लिए 1 ventricle है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, इन दिस सर्कुलेशन इम्प्योर ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी एंड कैरी अप टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट देन पास इट टू वेंटिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या किया गया कि जो आपकी बॉडी है ना, इस बॉडी से क्या किया गया, जो इम्प्योर ब्लड है कलेक्ट किया गया, और इम्प्योर ब्लड जो कलेक्ट किया गया, ठीक है, कि जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हुआ ये आपका राइट एट्रियम पे आया, राइट एट्रियम के आने के बाद ये आपका आ गया वेंटिकल पे, ठीक है। कहाँ पे आ गया, आपका वेंट्रिकल पे, ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है, वेंटिकल पे आ गया, ठीक है। अब वेंटिकल से क्या होगा, फ्रॉम वेंटिकल कैरी अप टू द लंग्स, ठीक है। कहाँ जाएगा अभी, वेंटिकल से लंग्स पे जाएगा, जैसा कि प्यारे भाइयों मैंने आपको बताया कि ये अब कहाँ जाएगा, यहाँ से ये आपका जो वेंटिकल पे आया है वेंटिकल से कहाँ जाएगा आपका, ये लंग्स पे जाएगा, ठीक है, सीधे, ठीक है, लंग्स पे जाएगा। लंग्स से क्या होगा, CO2 छोड़ दी जाएगी और O2 ले ली जाएगी, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और फिर इसके बाद होगा क्या कि जो आपका वेंटिकल है, ठीक है, इसमें आपके दोनों प्रकार के ब्लड आ जाएंगे, ठीक है। इसमें एज वेल एज इम्प्योर ब्लड आएगा। इम्प्योर ब्लड सिंपल सी बात है कि ऐसा ब्लड जिसके साथ में CO2 प्रेजेंट हो, ठीक है, और प्योर ब्लड एक ऐसा ब्लड जिसके साथ में आपका O2 प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, ठीक है, कि वेंटिकल के ऊपर दोनों प्रकार के आपके ब्लड पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आगे कि इस प्रकार के सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वह मिक्स हो जाता है, ठीक है। कैसा होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल मिक्स सर्कुलेशन, ठीक है। जो प्योर ब्लड होता है वह इम्प्योर ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है और यही मिक्स ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है तो आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो हिंदी के अंदर, ठीक है। और हिंदी भाषी मित्र मेरे आराम से इसी से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, इजिली दे कैन मेक नोट्स, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं बात करूं हार्ट के चैम्बर की, ठीक है, तो देखो सिंगल हार्ट चैम्बर होता है इनवर्टिब्रेट में, ठीक है। सिंगल हार्ट चैम्बर किन में होता है, इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। अगर बात की जाए टू हार्ट चैम्बर की तो ये होता है फिश में, टैडपोल में, लार्वा में, ठीक है। ये जितने भी होते हैं जैसे फिश हो गई, टैडपोल हो गया, लार्वा हो गया, इन सब में टू हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है। कितना हार्ट चैम्बर होता है, टू हार्ट चैम्बर, ठीक है। बात की जाए थ्री हार्ट चैम्बर की तो ये पाया जाता है एम्फीबियंस में, किन में पाया जाता है आपके एम्फीबियंस में, ठीक है। बात की जाए हमारे 3.5 हार्ट चैम्बर की, ये पाया जाता है आपका रेप्टाइल्स में। फोर्थ हार्ट चैम्बर हमारे एप्स यानी वर्ड में पाया जाता है और मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है। बात की जाए सबसे बड़े दिल वाले की तो सबसे बड़ा दिल वाला होता है कॉकरोच, जिसमें 13 हार्ट चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। तो चलो हम आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे देखो रक्त के बारे में, ठीक है। आज हमारा डिस्कशन होगा कि रक्त क्या होता है, ठीक है। अभी हमारा लगभग क्लास 1 घंटे की चल चुकी है अपनी, और क्लास अभी आगे भी 1 घंटे तक जाएगी, ठीक है। तो देखो व्हाट इज ब्लड, ब्लड किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड यानी लिक्विड है, ठीक है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी के लिए क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड आपके सर में ही पाया जाएगा और ब्लड आपके पैर में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड इज कनेक्टिंग द होल बॉडी, ठीक है। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के लिए
कनेक्ट करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और ब्लड आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट कोई टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, तो दैट इज ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है ब्लड के बारे में, ब्लड रेड होता है, चिपचिपा होता है और सॉल्टी होता है, ठीक है। कभी आपने ब्लड वगैरह कभी इजीली देखा होगा गांव में, बच्चे वगैरह जब ब्लड निकलता है तो उसे वो लोग शक करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि ब्लड इसे रिटेन किया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में देखा आपने भी, यार शर्मा क्यों रहे हो, ठीक है, आपने भी कभी ना कभी ब्लड अपने जरूर टेस्ट किया होगा, ठीक है, तो आपने ये विचार किया होगा कि ब्लड कैसा होता है, नमकीन होता है, ब्लड कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। तो ब्लड कैसा होता है, अगर हम ब्लड की बात करें, व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, रेड, लाल, स्टिकी और सॉल्टी फ्लूड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो ब्लड की डेफिनेशन ऐसे भी दी जा सकती है कि ब्लड इज अ रेड स्टिकी सॉल्टी फ्लूड, ऐसे भी दी जा सकती है कि रेड इज अ ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बहुत सारे डेफिनेशन है ब्लड की, जैसे चाहे वैसे दे दो, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, एक लाल स्टिकी और सॉल्टी फ्लूड होता है, ठीक है। हिंदी में बात की जाए तो ब्लड एक लाल चिपचिपा नमकीन तरल पदार्थ है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है, टिश्यू तो आप जानते हो ना, आप लोग टिश्यू किससे कहते हैं पता है नहीं पता। देखो जैसे किसी मकान को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे मेरे को किसी मकान को बनाना है, ठीक है, तो मकान को बनाने के लिए मुझे क्या होता है, ईंटों को लगाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि मकान को बनाना है तो जो सबसे छोटी यूनिट है मकान को बनाने के लिए वो है ईंट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मकान बनाया जाता है। वह छोटी से छोटी चीज जो सपोर्ट करती है मकान को बनाने में, वह होती है आपका ईंट, ठीक है। इसी तरीके से वह छोटी छोटी चीज जो आपकी बॉडी को बनाने के काम में आती है, वह छोटी छोटी यूनिट जो आपकी बॉडी को बनाती है उसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल। देखो यहाँ मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि तुम्हें रट्टा मार पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक एक चीज आपको बहुत समझा के पढ़ाई जाए, ठीक है। रट्टे मार पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं आता, ठीक है। तो देखो क्या है, सेल, ठीक है, क्या बोला मैंने आपसे, सेल, ठीक है। जब बहुत सारी सेल मिलती है, बहुत सारी सेल, तो बना डालती है वो टिश्यू, क्या बनाती है, टिश्यू, ठीक है, बात समझ रहे हो। और इसी तरीके से जब देखो, जब सेल समझ गए आप लोग क्या है, सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारी बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है, जब बहुत सारी सेल कंबाइन करती हैं, ठीक है, तो बनता है टिश्यू, ठीक है। और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन करते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, ठीक है। जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो आपको बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो टिश्यूज क्या है, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज क्या होते हैं, आपके ग्रुप होते हैं सेल्स के, ठीक है, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल। तो वही आपका क्या क्या है, दे आर द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू याद रखना किससे कहते हैं, आप शरीर का सबसे नरम उत्तक, ये क्या है, शरीर का सबसे नरम उत्तक होता है ये आपका टिश्यू, ठीक है। आगे चलूंगा मैं। अब देखो क्या है, जो एक हेल्थी ह्यूमन होता है, ठीक है, एक हेल्थी ह्यूमन मुझसे कहते हैं, जिस हेल्थी एडल्ट ह्यूमन हम उससे कहते हैं जिसके शरीर का वजन 70 से 72 किलो के बीच में हो, ठीक है। उसके अंदर जो ब्लड होना चाहिए वह होना चाहिए 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि एक वयस्क मानव जो होता है उसमें समानता 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए, ठीक है, ब्लड होना चाहिए। अब देखो जो ब्लड को सक करते हैं उन्हें कहते हैं सैंग्निवोर्स, क्या बोलते हैं हम लोग, सैंग्निवोर्स, ठीक है। ऐसे जो हमारा सर है ना, इस पर हमारा जो सर है, ठीक है, जो हमारा हेड है, इस पर क्या होता है कि बहुत सारे आपने देखो कि जुएं वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। जुएं क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिएंट होता है, अब ये मत पूछना न्यूट्रिएंट किससे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो देखो जो न्यूट्रिएंट जो हमारा हेड होता है, ठीक है, इस हेड पे क्या करते हैं, ये जो जुएं होते हैं ये कंटिन्यू वे में क्या करते हैं, अपना ब्लड ड्राइव करते जाते हैं हमारे हेड से, ठीक है। अब ये जो जुएं हैं ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को तो सक कर रहे हैं हमारे हेड से, अपना न्यूट्रिएंट, अपने न्यूट्रिएंट की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हमारे जो ब्लड है ना हेड पे उसे सक करे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सैंग्निवोर्स। तो वो लोग वो जो खून पीते हैं उन्हें हम सैंग्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो रक्त जो चूसते हैं उन्हें हम कहते हैं सैंग्निवोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोस्तों को अपने सैंग्निवोर कहो, ठीक है, क्योंकि खून तो वही बहुत चूसते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, जो पीएच होता है ब्लड का, हम कहते हैं ब्लड नमकीन है, ऐसा क्यों, देखो चीज हमेशा याद होगा ना, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, अगर आपको किसी ने केमिस्ट्री पढ़ाई होगी तो उसने आपको एक बताया होगा पीएच स्केल, क्या बताया होगा, पीएच स्केल, ठीक है। इस पीएच स्केल पे जो 7 के इस तरफ होता है, 7 के जो इस तरफ होता है, ठीक है, 7 से लेकर इस तरफ होता है 14 तक, ठीक है, वह सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, कैसी होती हैं, बेसिक, ठीक है। लेकिन जो 7 के इस तरफ होती हैं, ठीक है, 7 के इस तरफ,
6543210 तक होती हैं। वह होती हैं आपकी एसिडिक। कैसी होती हैं आपकी एसिडिक, ठीक है। अब जो ब्लड है ना उसका है पीएच आपका 7.3, तो ये कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। बेसिक यानी कि नमकीन होगा, ठीक है। कैसा होगा आपका, नमकीन होगा, ठीक है। इसी तरीके से बेकिंग सोडा जो होता है वह भी आपका नमकीन होता है, लेकिन जो लेमन जूस होता है भाई आपका एसिडिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी हमारा जो ब्लड होता है भाई क्यों नमकीन होता है, क्योंकि पीएच स्केल आपने पढ़ी होगी। पीएच स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर हम लोग ये मेजर करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। इस पर जब हमने ब्लड को नापा तो ब्लड आया हमारा 7.3, और 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं वह सारी बेसिक में काउंट होती हैं, और 7 से नीचे जितनी चीज़ें होती हैं 0 तक वह सारी एसिडिक में काउंट होती हैं। अब ब्लड का पीएच आया 7.3, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड कैसा होगा मेरे प्यारे भाइयों, बेसिक होगा, ठीक है। कैसा होगा ये, बेसिक होगा, ठीक है, नमकीन होगा। अब हिंदी में बात कर ली जाए तो रक्त का जो पीएच होता है वह आपका ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें ब्लड की, तो वह होती है 1.0652, ठीक है। और रक्त की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह होता है 1.0652, ठीक है। आप देखो जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की, चिपचिपापन जो होता है, ठीक है, वह 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है टैप वाटर से, ठीक है, और 6 से 7 गुना ज़्यादा होता है डिस्टिल वाटर से, ठीक है। जो चिपचिपापन होता है पानी का, वह 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है आपका टैप वाटर से, ठीक है, और 6 से 7 गुना ज़्यादा होता है आपका डिस्टिल वाटर से, ठीक है, डिस्टिल वाटर से। यही है हिंदी में यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इनफैक्ट ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड ऑल फ्लूटिल प्लाज्मा। देखो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है ना, ये इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट, ठीक है। चौथा होता है प्लाज्मा। ब्लड का जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड पार्ट, ठीक है। लेकिन जो इसका प्लाज्मा वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये वाला जो पार्ट होता है ब्लड का इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपका सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। लेकिन जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है इसी प्लाज्मा के अंदर आपका आरबीसी फ्लोट करता है, इसी के अंदर आपका डब्ल्यूबीसी फ्लोट करता है, इसी के अंदर आपका प्लेटलेट्स आपकी फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड का जो पार्ट होता है प्लाज्मा वाला, ठीक है, इसी के अंदर आपका आरबीसी फ्लोट करेगी, इसी के अंदर डब्ल्यूबीसी फ्लोट करेगी, इसी के अंदर आपका प्लेटलेट आपकी फ्लोट करती हैं। हमेशा याद रखना जो ब्लड होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो ब्लड मिक्सचर है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का, प्लाज्मा का, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, ब्लड मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड सबका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ब्लड जो होता है वह आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सबका क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर ही ये तीनों चीज़ें आपकी तैरती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, तैरती हैं। अब देखो ब्लड के कंपोजिशन की बात की जाए, ठीक है, क्या की जाए, ब्लड के कंपोजिशन की, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, अगर मैं ब्लड के कंपोजिशन की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, मैं अगर बात करूं कि ब्लड के अंदर कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, कितना परसेंट आपका आरबीसी, कितना परसेंट आपका डब्ल्यूबीसी, कितना परसेंट आपका प्लेटलेट है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बेसिस पर बात करूं तो जो आपका प्लाज्मा होता है वह होता है आपका 55%, ठीक है, कितना होता है 55%। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आपके मात्र 4% होते हैं ये दोनों, और आपकी बात की जाए आरबीसी की तो बचा कुचा आरबीसी 41% होता है, ठीक है, कितना होता है 41%, ठीक है, कितना होता है आपका 41%, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कतई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ इनके जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है उनके बिहाव पे, ठीक है, तो देखो जो ब्लड होता है उसमें पानी होता है 90%, कितना होता है 90%। प्रोटीन होती है मात्र इसमें 8%, कितनी होती है 8%। शुगर की बात की जाए तो शुगर होता है मात्र 1%, कितना होता है 1%। सॉल्ट की बात की जाए सॉल्ट होता है 0.9%। अदर और बचे कुचे होते हैं 0.1%, ठीक है। तो इट इज़ द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये क्या होती है कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम टाइप के बिहाव पे बात करें, न्यूट्रिटिव मटेरियल के बिहाव पे बात करें, ठीक है, तो टाइप के बिहाव पे बात की जाए तो प्लाज्मा 55% होगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 4% होंगी, आरबीसी 43% होगी, ठीक है। और अगर न्यूट्रिटिव मटेरियल के बिहाव पे बात की जाए तो पानी 90% होगा, प्रोटीन 8% होगी, शुगर 1% होगा, सॉल्ट 0.9% होगा, अदर की बात की जाए तो अदर होगा 0.1%, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अब देखो हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना, जो ब्लड होता है आपका वह दो पार्ट में बटा होता है, ठीक है। एक को कहते हैं सॉलिड पार्ट, दूसरे को कहते हैं लिक्विड पार्ट, ठीक है। ब्लड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड सॉलिड पार्ट एंड द अदर इज कॉल्ड लिक्विड पार्ट, ठीक है। अब देखो जो ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्पस्कल्स, ठीक है, कॉर्पस्कल्स कहते हैं हम उसे। और जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं प्लाज्मा, कॉर्पस्कल्स कहते हैं यानी कड़काएं कहते हैं। और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें आपके आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका ब्लड होता है भाई आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, सॉलिड पार्ट लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे पास्कल नहीं कहते हैं, ये गलत लग गया है, सॉरी भाइयों, पास्कल नहीं होगा, ये होगा कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो ये कॉर्पस्कल्स होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है लिक्विड का, और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। और सॉलिड पार्ट में जो जो काउंट किए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। तो दे आर काउंटेड, ये आपके यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। आप देखो अगर हम बात कर लें आरबीसी की, देखो जो आरबीसी होता है इसे हम लोग एंथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है रेड ब्लड सेल, हिंदी में बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। फुल फॉर्म बात करें तो रेड ब्लड सेल, हिंदी की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। बात करें बायो में, थोड़ी और बायो की अच्छी लैंग्वेज बात करें तो उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, ठीक है, वह पाई जाती है 40 से 60 लाख, कितनी पाई जाती हैं 40 से 60 लाख पर क्यूबिक एमएम, ठीक है, पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, मैं पाई जाती है 40 से 60 लाख पर क्यूबिक एमएम, 40 से 60 लाख एमएम क्यूब, ठीक है, पर एमएम क्यूब, ठीक है, इतनी पाई जाती है एक हेल्थी ह्यूमन में आपकी, क्या जिन्हें हम लोग कहते हैं आरबीसी, ठीक है, आरबीसी यूज फॉर काउंटिंग। अच्छा, जो आरबीसी को काउंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं हम लोग हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। अच्छा, हिंदी में सामान्य परिस्थिति में 40 से 60 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त जो है वह पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या है, इसी को हिंदी में से हम अब देखो हिंदी में क्या है कि रक्त कोशिकाओं की जो गिनती के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। अब देखो जो आरबीसी अगर किसी भी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, 40 से 60 लाख से ऊपर चली जाती हैं, तो ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं पॉलीसाइटीमिया, ठीक है। और अगर किसी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एनीमिया, ठीक है। तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, एनीमिया, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एनीमिया। अगर डिक्रीज ऑफ आरबीसी हो जाता है किसी बॉडी में उसे हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ठीक है, आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलेंगे, देखो यार बहुत ऊपर लिख दिया मैंने, वैसे ब्रश लेना पड़ेगा। चलो देखो ऊपर की तरफ, देखो आप लोग ऊपर की तरफ एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये ब्रश हटाना पड़ेगा यार। देखो ऊपर की तरफ एक लाइन दिख रही होगी, साइट ऑफ आरबीसी इज 25, सॉरी ये साइट नहीं होगा यार, ये साइज होगा, साइज ऑफ आरबीसी इज 25,000 टाइम्स स्मॉलर देन वेरी फाइनेस्ट पार्टिकल। देखो एक जल्दी में ही एक रिसर्च हुई है, ठीक है, उस रिसर्च में ये पाया गया है जो आरबीसी का जो साइज होता है, ठीक है, द साइज ऑफ आरबीसी, जो साइज होता है आरबीसी का वह 25,000 गुना छोटा होता है देन आपके डस्ट पार्टिकल्स। अब आप खुद सोचो कितना छोटा साइज होता है एक आरबीसी का, ठीक है, एक जो आरबीसी होती है ना वह आपकी 25,000 गुना छोटी होती है एक धूल के कण से। आप जब कभी लाइट में खड़े होते होंगे तो आपको बहुत सारे धूल के कण नजर आते होंगे, ठीक है, इन धूल के कणों से 25,000 गुना छोटा एक पार्टिकल एक साइज होता है आरबीसी का, ठीक है। अब आप हिंदी में देखोगे आरबीसी की साइज धूल के महीन कणों की तुलना में 25,000 गुना छोटी होती है, ठीक है। अब देखो जो एक लीटर आरबीसी होता है, ठीक है,
इसमें एक लीटर आरबीसी में जितने नंबर आते हैं आरबीसी के भाई होते हैं 5×10^12, ठीक है। एक लीटर आरबीसी में इतना नंबर होता है आरबीसी का, ठीक है। एक लीटर आरबीसी में इतना आरबीसी होता है 5×10^12, ठीक है। तो 5×10^12 के बराबर होता है आपका एक लीटर आरबीसी। एक लीटर आरबीसी में कितने आरबीसी आते हैं? 5×10^12, ठीक है। इतने आरबीसी आते हैं आपके एक लीटर आरबीसी में, ठीक है। हिंदी में भी देखोगे तो आरबीसी के एक लीटर में इतने आपके आरबीसी आते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय इन अ आर, एक घंटे के अंदर देखो कितने आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 9×10^9, ठीक है। तो इतने आरबीसी आपके एक घंटे के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो आरबीसी होते हैं आपके, ये वह सेल्स होती हैं जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। इन सेल के पास अपनी न्यूक्लियस नहीं होती है, दैट्स वाई ये एक दिन के अंदर 3 मिलियन तक ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है। एक दिन में 3 मिलियन जो होता है वह आरबीसी आपके डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, जो आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से जो लाइफ होती है एक आरबीसी की वह बहुत कम होती है, मात्र होती है 4 महीने की लाइफ, ठीक है, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो आरबीसी होती है धड़ल्ले से ब्रेक होती है, ठीक है, बहुत जल्दी से ये ब्रेक होती है, ठीक है। आप देखो यही पॉइंट आपका हिंदी में दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीसी एक घंटे में कितनी ब्रेक होती है, तो आप कहोगे 9×10^9, ठीक है। अगर कोई फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा होगा तो 9×10^9 बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोच रहा होगा। अब देखो क्या है, यही इसे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे आगे ले जाऊंगा, तो मेरे प्यारे भाइयों आगे है मेरे पास कि एक दिन के अंदर जितनी आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर है, इसमें एक दिन के अंदर लगभग 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। लगभग 1%, अगर थोड़ा मात करें तो 0.8% एक्यूरेट की बात करें, ठीक है। वैसे 1% आप मान सकते हो, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी आरबीसी है, ठीक है, इसमें जो 1% आरबीसी होती है भाई डेली डिस्ट्रॉय होती रहती है, ठीक है। अब देखो एक दिन में 0.8% क्या हो जाएगी आपकी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है, नष्ट। अब देखो क्या है, आरबीसी में आता है आपका वाटर, हीमोग्लोबिन एंड अदर, ठीक है। आरबीसी में आपका क्या क्या होता है, वाटर भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है और आपकी अदर भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी होता है और आपकी अदर भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अदर में क्या होता है बताएंगे यार, ठीक है। अदर में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, तो बताएंगे अभी आगे, टेंशन ना लो। अब देखो आरबीसी में क्या क्या है, आपका पानी है, हीमोग्लोबिन है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो वाटर जो होता है ना, अगर बात करी जाए कि हीमोग्लोबिन में कितना वाटर होता है, तो वाटर होता है हीमोग्लोबिन में 60%, ठीक है, सॉरी आरबीसी में जो वाटर होता है वह होता है 60%, हीमोग्लोबिन होता है वाटर में 32%, ठीक है, सॉरी आरबीसी में जो वाटर होता है वह होता है 60%, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वह होता है 32%, ठीक है। बाकी जो बचा कुचा परसेंट रह गया उसमें आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ल्यूपार्ड नहीं होता मेरे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के माफी, ल्यूपार्ड नहीं है, लिपिड होता है, ठीक है। लिपिड को हम लोग फैट भी कहते हैं, ठीक है, लिपिड को हम लोग क्या कहते हैं, फैट भी कहते हैं, ठीक है। अब यही आपका हिंदी में दिया हुआ है, पानी 60% हीमोग्लोबिन होता है, बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और बसा होता है, ठीक है, फैट यानी बसा। अब देखो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल दैट कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, मैंने आपसे पहले ही कहा लंग्स पे जब आपका ब्लड आ जाता है, ठीक है, लंग्स पे जब आपका ब्लड आ जाता है, ठीक है, तो इसके पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है कि लंग्स ने जो O2 ली है, ठीक है, उस O2 को पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करा देना। इनफैक्ट बॉडी जो CO2 प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उस CO2 को भी बॉडी से लेके लंग्स तक लाने का जो काम होता है वह ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का ही होता है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि बॉडी के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसी का काम होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आपका आरबीसी में, ठीक है। तो ये जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के दोनों काम होते हैं, पहला काम है O2 को लंग से लेके पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना, फिर दूसरा काम भी उसी को मिला हुआ है कि इसके लिए यानी बोले तो CO2 के लिए बॉडी से लंग्स तक लेके जाना, ठीक है। तो दोनों काम इसी को मिले हुए हैं, ठीक है। देखो लिखा जा रहा है यहाँ पे, आपका कि
हीमोग्लोबिन युक्त कोशिकाएं जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाती हैं। अब देखो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्म आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। ठीक है, अब देखो जो हीमोग्लोबिन को जो ब्रेक किया जाता है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी से जब हम लोग हीमोग्लोबिन को हटा देते हैं, ठीक है, यानी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब क्यों ब्रेक करते हैं आगे पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। तो जब भी हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाता है आरबीसी, तो आरबीसी से, तो इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं हीमोलाइसिस के नाम से, ठीक है, हीमोलाइसिस, ठीक है। यही है, आप देख रहे हो कि आरबीसी से हीमोग्लोबिन का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि एक आरबीसी की उम्र होती है 4 महीने की, ठीक है, या फिर एक दिन में हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जितनी आरबीसी होती हैं उसका 1% जो आरबीसी होती है ना, वह आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे इंसानों का मर गया कोई, ठीक है, अब उसे मुर्दा घर तक ले जाते हैं, ठीक है, तो मुर्दा घर तक ले जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो लीवर होता है, ठीक है, उसी पे एक चीज़ पाई जाती है, इसे कहते हैं हम लोग स्प्लीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, स्प्लीन, जो लेफ्ट केज होती है इसी के नीचे से एक जगह पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। ये जो स्प्लीन होती है ये होता है आरबीसियों का मुर्दा घर, ठीक है, जब आरबीसी मर जाती है, ठीक है, जब बेचारी मर जाती है तब उसे हम कहते हैं लाल घोस्ट, ठीक है, लाल भूत, ठीक है। जब आरबीसी मर जाती है आपकी ना, जब आरबीसी डेड हो जाती है, ठीक है, आरबीसी 1% रोड डेड होती है, ठीक है, तो आरबीसी जब आपकी डेड हो जाती है, ठीक है, तब ऐसी आरबीसी कहा जाता है रेड घोस्ट, क्या बोलते हैं हम लोग ऐसी आरबीसी को, ऐसी आरबीसी कहलाती है आपकी रेड घोस्ट, यानी लाल भूत। और इन जब ये मर जाती है तब इनको जहाँ दफनाया जाता है उस जगह कहते हैं स्प्लीन, क्या बोलते हैं हम लोग से, स्प्लीन, ठीक है। तो जो आपकी रेड डेड आरबीसी होती है उन्हें जहाँ दफनाया जाता है उस दफनाने वाली जगह को कहते हैं हम लोग स्प्लीन, क्या कहलाती है वो आपकी स्प्लीन, दैट प्लेस इज कॉल्ड स्प्लीन, ठीक है। तो आई होप ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, पुरानी हो तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है, देखो बताओ जरूर, अगर नहीं बताओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो क्या है स्प्लीन, देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, जैसे कि कभी कभार होता क्या है कि किन्हीं लोगों के लिए सांप जब काट लेता है, ठीक है, जब किसी के लिए सांप काट लेता है तो होता क्या है, जो उसके ब्लड में जो आरबीसी होती है वह खटाक से टूटने लगती है फटाफट, ठीक है, क्या हो लगती है, ब्रेक होने लगती है, ठीक है। अब जब आरबीसी एक साथ इतनी टूटेगी, ठीक है, जब होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने सांप ने काट लिया, ठीक है, जब किसी को कोई जब सांप काट लेता है, ठीक है, तो सांप का जो जहर होता है वह करता क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है उस आरबीसी को फटाक से ब्रेक करने लगता है, ठीक है। ब्रेक कैसे करता है, यानी कि उससे उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसे हटा देता है, ठीक है। अब जब हीमोग्लोबिन हट जाएगा, जब आरबीसी ब्रेक हो जाएगी, तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करने के लिए कोई चीज़ तो हमारे पास बची नहीं, यानी ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी में कैसे भी कैरी हो नहीं पाएगी पूरी बॉडी के अंदर, और जब कैरी नहीं होगी तो सामने वाले पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, फिर वह बंदा 2-3 मिनट में निपट जाता है, ठीक है। क्या होता है, वह पर्सन जो होता है 2-3 मिनट में निपट लेता है, राम राम हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर देख रहा हूँ, जब सांप किसी को सांप ने काट लिया तो होगा क्या कि इसकी बॉडी में जो पाई जाने वाली जो आरबीसी है वह जल्दी से टूटेगी, ठीक है, जल्दी डाई होगी। तो क्या होगा कि स्प्लीन को अपना सरफेस एरिया बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास अब नॉर्मल स्प्लीन नहीं आ रही है, नॉर्मल रेड होस्ट नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल डाइड आरबीसी नहीं आ रही है, उसके पास अब नॉर्मल से ज़्यादा आरबीसी आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि है क्या कि नॉर्मल कंडीशन में तो 1% आ रही है, लेकिन जब किसी पर्सन को सांप काट लेता है तो उसका जहर आरबीसी को तोड़ना चालू कर देता है। अब जैसी आरबीसी टूटेगी, ठीक है, आरबीसी जैसी टूटेगी, ठीक है, तो के होगा क्या कि वो जो आरबीसी आपकी जो मर जाएगी बह जाएगी स्प्लीन के पास, तो स्प्लीन को क्या करना पड़ेगा, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसे दफनाना सभी आरबीसियों को है, ठीक है, क्योंकि उसे सभी आरबीसियों को दफनाना है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली, क्या बोलते हैं हम इसे, स्प्लीनोमेगैली। तो आप यहां देखो कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्प्लीन, ठीक है, जब इस स्प्लीन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डेड आरबीसी। अब कैसे भी आरबीसी का नंबर बढ़े, ठीक है, कैसे भी, जैसे मैंने आपको बताया सांप वाला एग्जांपल, ठीक है, तो वो कैसे भी बढ़ सकता है आरबीसी का नंबर, ठीक है। तो जब कभी भी सरफेस एरिया बढ़ता है स्प्लीन का, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन डेड आरबीसी की वजह से, तो हम इसे कहते हैं स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। व्हाट इट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे, देखो मृत आरबीसी में वृद्धि के कारण प्लीहा, स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा,
प्लीहा के सतह क्षेत्र में वृद्धि को स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे इंग्लिश में कहा वैसे ही आपका ये दिया हुआ है हिंदी में, ठीक है। आरबीसी वर्क्स एज बॉडी एचपीएस सोल, ठीक है। आरबीसी कैसे वर्क करती है, बॉडी की तरह वर्क करती है, एक बॉडी है आपका, ठीक है, और एचपी सोल की तरह, क्योंकि इसी का काम होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। पूरी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ओके। अब देखो आगे क्या है कि आरबीसी शरीर के रूप में काम करता है और जो आपका एचबी है यानी हीमोग्लोबिन जो है भाई आपका आत्मा के रूप में काम करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास जो सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, पाई जाती है आपकी एम्फीबियंस में, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी किनके पास पाई जाएगी, एम्फीबियंस के पास पाई जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाएगी आपके एम्फीबियंस के पास, जो कि होती है 72 नैनोमीटर से 26 नैनोमीटर तक की, ठीक है। 72 नैनोमीटर से 26 नैनोमीटर तक की। अच्छा एक बात बताओ, तुमने देखा होगा एक्चुअली में कि जो पहाड़ के लोग होते हैं भाई देखने में बहुत गोरे होते हैं, ठीक है। जो पहाड़ के लोग होते हैं ना, जिन्हें हम पहाड़िया कहते हैं, ठीक है, जो एक हाइट पर रहते हैं, जो एक लेटिट्यूड पर रहते हैं, ठीक है, उनको आपने देखा होगा बहुत गोरे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेन पर रहते हैं ये काले होते हैं, ऐसा क्यों कभी सोचा आज तक? तुमने देखा होगा जो हाई लेटिट्यूड पर रहते हैं, जो लोग नैनीताल वगैरह में रहते हैं, जो हाई लेटिट्यूड पर रहते हैं, इनका जो चेहरा होता है थोड़ा लालम लाल होता है, ठीक है, बहुत गोरे दिखते हैं, लाल चेहरा होता है, लाल हाथ होता है, लाल हाथ होते हैं, लाल पैर होते हैं, ऐसा क्यों होता है कभी सोचा? देखो इसके होने के पीछे ये होता है कि जो हम लोग प्लेन वाले हैं, ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जैसे जैसे हम लोग सतह से, जैसे जैसे हम प्लेन से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ के लिए जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे एयर जो होती है ना वह कम होने लगती है, ठीक है। अब जब एयर कम होगी तो ये बहुत ही बेसिक बात है आपका कि जब आपके एयर कम होगी तो आपके O2 का जो लेवल होगा वह भी आपका कम होगा, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि एयर का लेवल कम हो रहा है तो O2 का लेवल भी कम होगा। अब जब आपका O2 का लेवल कम होगा तो जो ऊपर लेटिट्यूड पे रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उतना O2 नहीं मिल पाएगा जितना O2 हमारे को मिल जाता है जो हम लोग प्लेन पे रहने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। हम लोग जो प्लेन पे रहते हैं उनके लिए ज़्यादा O2 मिल जाएगा, लेकिन जो हाई लेटिट्यूड पे रहते हैं उन्हें उतना O2 नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई लेटिट्यूड जैसे ही हम लोग धरती की सतह से जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना ही टेम्परेचर घटेगा और O2 भी जो एयर है ना वह भी आपके थिन होती चली जाएगी, ठीक है, यानी O2 की जो मात्रा है वह ऊपर जाने पे आपका कम हो जाएगा, ठीक है। वो जो O2 है उसकी मात्रा भी आपके ऊपर जाने पे अल्टीमेटली कम होगी, ठीक है, अल्टीमेटली घट जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन की जो नीड है वह हमारे लिए बराबर है और जो हाइड्रोड पर रह रहे हैं उनके लिए भी उतनी है, हमारी दोनों की नीड तो सेम है क्योंकि जो लाइफ प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं भाई सारे लाइफ प्रोसेस हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हम भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बैक्स क्रिएशन कर रहे हैं, बेक्सक्रिएशन कर रहे हैं, बोडाइशन कर रहे हैं, हम भी डाइशन कर रहे हैं, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस एक ही जैसा है, लेकिन ऊपर हवा कम है, ठीक है। अब जब हवा कम है तो उनके लिए ऑक्सीजन कम मिलेगी, ठीक है, हमारे को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए भगवान ने क्या किया है कि जो लोग ऊपर रहते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होता है आरबीसी नंबर में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो लोग प्लेन पे रहते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होता है जो आरबीसी का नंबर होता है वह भी कम होता है, ठीक है। आरबीसी का नंबर कैसा होता है इनके पास, वह भी कम होता है, ठीक है, कंपेयरिंग टू द हाई लेटिट्यूड पीपल, ठीक है। जो हाई लेटिट्यूड पीपल होते हैं जो ऊपर रहते हैं इनके पास जो आरबीसी का नंबर होता है वह ज़्यादा होता है, नीचे वालों के पास कम होता है, ठीक है। तो ऊपर वालों के पास आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, और आरबीसी के पास क्या होता है हीमोग्लोबिन, ऐसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर में जो रेडनेस होती है ना वह आती है, ठीक है, इसी की वजह से ब्लड पर रेडनेस आती है, ठीक है, और रेडनेस जो आती है वह ब्लड पर इसी वजह से आती है, हमारी बॉडी में भी इसी की वजह से आती है, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके पास ज़्यादा हीमोग्लोबिन, उनके पास क्या है कि जो आरबीसी है वह ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास कम है, ठीक है, हम लोग कम से उतनी ऑक्सीजन ले सकते हैं जितनी वे ज़्यादा से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो ऑक्सीजन है वह कम है, हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे को ऑक्सीजन लेने की इतनी ज़्यादा आरबीसीओं की नीड है नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा आरबीसीओं की नीड है, ठीक है, उतनी ऑक्सीजन लेने की जितनी हम कम आरबीसीओ में ले रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने आपको समझाया कि उनके पास आरबीसी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके पास आरबीसी ज़्यादा होने की वजह से जो उनका जो शरीर का रेडनेस होता है वह हमारे शरीर से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए देखने में वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, और हम लोग समझते हैं कैसे लगते हैं उनके सामने। चलो तो इतना समझ में आ गई। अब देखो क्या है, कस्तूरी मृग, ठीक है,
क्या बोलते हैं हम, कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग में अच्छा यहाँ मैंने आपको बताया सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है एम्फीबियंस में पाई जाती है, लेकिन जो सबसे छोटी पाई जाती है, सबसे छोटी भाई पाई जाती है आपकी कस्तूरी मृग में। किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी आरबीसी आपकी पाई जाती है कस्तूरी मृग में, ठीक है। यही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल गया, सबसे छोटी आरबीसी आपकी पाई जाती है कस्तूरी मृग में, ठीक है। और बाकी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल कण के उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जो हमारे ब्लड का कलर जो रेड है ना, ब्लड का रंग जो लाल है, इसके पीछे सिंपल सा एक ही रीजन है, वह है इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो हमारा ब्लड का जो कलर होता है वह होता है लाल, ठीक है। जिसमें वही लिखा हुआ है द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल होती है उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये लेक्चर लगभग हो चुका है 1 घंटे 40 मिनट का, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी अगर आपको दिक्कत आई हो इस लेक्चर से रिगार्डिंग, कुछ भी छोटी मोटी पतली समझ रहे, कैसी भी समस्या हो, तो मेरे को लिख मारो इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम मैं तुरंत इंस्टेंट आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये है आपका सचिन गुप्ता, यहाँ आपको स्पेस नहीं देना है, 95368@gmail.com, ठीक है, इस पे लिख मारो जैसी भी समस्या हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें अगर तुम्हें कहीं पर भी दिक्कत हो, ठीक है, तो उसको इस वाले जीमेल पे सेंड कर दो, ठीक है। बाकी मेरे साथ दोस्तों इसी तरीके से बने रहो यार, पूरा सपोर्ट, पूरा अपना प्यार दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी वीडियो इसी तरीके से लेके आता रहूँगा, ठीक है। दोस्तों जितना मैंने आज पढ़ाया इसको सारे के सारे इसके नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सातों सात इसके नोट्स बना लिया करो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात प्रॉपर हिंदी में है, प्रॉपर इंग्लिश में, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं अगर आप, तो भैया इंग्लिश में भी नोट्स हैं। इफ यू आर इन बैकग्राउंड ऑफ हिंदी वाले स्टूडेंट, तो भैया हिंदी वाले स्टूडेंट के भी नोट्स, ठीक है। तो आप चाहे जैसे भी बैकग्राउंड के, चाहे इंग्लिश भाषी हो हमारी तरह, चाहे हिंदी भाषी हो, ठीक है, तो इंग्लिश भाषी हिंदी भाषी दोनों तरीके के नोट्स यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ से वैसे मैं कह चुका हूँ यार कुछ छूटना ही नहीं है, ठीक है। तो एंड में दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए। बाकी दोस्तों सपोर्टर्स कैसे ही हम हार्डवर्क करते रहेंगे। लास्ट में दोस्तों एक ही बात हमेशा की तरह आपसे, जय हिंद।